नमस्कार आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उन प्रश्नों के आसपास कितने अच्छे अच्छे और बेहतरीन सवाल बनेंगे उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे और देखिए ये जो सवाल है ये जो सेशन रहने वाला है इसमें सारे सवाल लिए गए हैं अलग अलग चाहे वो कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री करंट अफेयर हो सबसे रिलेटेड आपने क्या लिया गया है सवाल लिया गया है तो एक एक सवाल को आगे देखने से पहले पहला सवाल ही अपन देख लेते हैं पहला सवाल है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है तो बताना है कि ये जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसका संबंध किससे है ये आपको बताना था कि कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के बच्चों को हफ्ते में दो बार दूध पिलाया जाएगा कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को गाय के महत्व के बारे में बताया जाएगा डेयरी उद्योग में युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा या गाय पालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना था आंसर देना था तो देखिए आपसे जब भी यह सवाल पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर मुख्यमंत्री बाल गोपाल मुख्यमंत्री कौन से गोपाल बाल गोपाल एक योजना शुरू की गई थी और इस योजना का जो उद्देश्य था इसी योजना का क्या था जो उद्देश्य था और मुख्य उद्देश्य वो क्या था इस योजना का जो उद्देश्य था कक्षा एक जो पहली कक्षा में पढ़ रहा टिंगर है और कक्षा एक से लेकर आंटवी तक जो जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं यहां पर क्या कहते हैं कि उनको स्कूल में क्या दिया जाता है दूध दिया जाता है अब आपको याद रखना है इसके बारे में कि क्या दूध दिया जाता है यह योजना कब शुरू की गई थी तो पहली बात तो ये याद रखो भाई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना तो पहला सवाल यह पूछा जाएगा ये योजना कब शुरू की गई थी तो यह शुरू की गई थी तेईस जून दो को तेईस जून 2022 को इसकी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत में कहते हैं कक्षा एक से लेकर आठवीं तक कक्षा एक से लेकर छठी तक और कक्षा कक्षा छह से लेकर सॉरी कक्षा एक से लेकर पांच और कक्षा छह से लेकर आठ तक के बच्चों को क्या दिया जाता है दूध दिया जाता है कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को डेढ़ सौ एम दिया जाता है और छह से आठ तक के बच्चों को दो सौ एम दूध दिया जाता है फिर देखिए ये दूध कब दिया जाता है तो सप्ताह में दो बार दूध दिया जाता है सप्ताह में दो बार दूध कब दिया जाता है भाई बच्चों को तो एक तो दिया जाता है कब शुक्रवार को और एक कब दिया जाता है मंगलवार को एक तो मंगलवार को दूध दे दिया बच्चों को टावरों पिए दूध पियो ये फिर एक कब दिया गया शुक्रवार को दिया गया था फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड कि बताओ भाई ये जो दूध दिया जाता है ये दूध कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है बच्चों को बच्चों को दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना समझ में आ गया अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल भी आपको बेहतरीन सवाल मिलेगा और अगला सवाल है अपनी स्क्रीन पर ये और ये सवाल कह रहा है ये देखिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के बढ़ा कब तक के लिए बढ़ा दिया तो देखिए एक समिति बनाई गई थी और उस समिति का क्या नाम था भाई देखिए उस समिति का समिति का नाम था मुख्यमंत्री आर्थिक मुख्यमंत्री आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद और इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था और इसका कार्यकाल कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है यह आपको बताना था सरजेत सिंह तो राज मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया था तो इसका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था भाई वो बढ़ाया गया दिसंबर दो दिसंबर 2023 तक को इसका क्या किया गया था कार्यकाल बढ़ाया है फिर देखिए सवाल आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का गठन कब होता है तो इसका जो गठन आपसे पूछेगी भाई इसका गठन कब हुआ तो आप कहोगे सर इसका गठन हुआ था वो हुआ था सात मार्च दो हजार बाईस को ऐसा क्या मतलब हुआ या ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसका गठन किया गया था तो देखिए इसका जो अध्यक्ष होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है भाई सीएम होता है यानी इसके वर्तमान अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है फिर इसके उपाध्यक्ष पूछा जाएगा उपाध्यक्ष आपको पता है भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सलाहकार थे जिनका नाम था अरविंद मायाराम और अरविंद मायाराम को इसका क्या बनाया गया था अध्यक्ष बनाया गया था अभी इसका कार्यकाल क्या हो रहा था समाप्त तो हो रहा था इसलिए इसका कार्यकाल क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया और कितना बढ़ा दिया गया दिसंबर 2023 में कर दिया अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है वो क्या है आपको क्या करना है एक एक वीडियो को लाइक करना है और अगला सवाल है ये वाला मार्च 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव आजादी का कौन सा महोत्सव अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को सांस्कृतिक मंत्रालय का एक पोर्टल है और पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान है ये आपको बताना है देखिए आजादी का अमृत महोत्सव एक कार्यक्रम था पता है आपको पिछहत्तर वर्ष हो गए हमें स्वतंत्र हुए और उसके तहत एक कार्यक्रम रखा तो केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया एक ऐप बनाया और कहा कि विभिन्न राज्यों के द्वारा जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है आजादी के महोत्सव से संबंधित उन सबको आप इस पोर्टल पर डालिए तो इस पोर्टल में जो राजस्थान के अंदर जितनी भी क्या हुई है भाई जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों को क्या डालना था इसके अंदर डालना था और इस मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा था तो कविता ने बताया है सुरेश ने बताया है सरजीत सिंह ने बताया भाई चौथा स्थान था बिल्कुल चौथा स्थान था लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछा जाएगा सवाल अगर आपसे ये पूछ लेते मार्च 2022 में राजस्थान का के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रम कार्यक्रमों को संस्कृत मंत्रालय के पोर्टल पर राजस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है तो बताइए राजस्थान ने, ने कित, कुल कितने कार्यक्रमों को अपलोड किया था तो याद रखना भाई राजस्थान सरकार ने 431 कार्यक्रम को इस पोर्टल पर क्या किया था अपलोड किया था राजस्थान सरकार ने कहा हमने 431 कार्यक्रम आयोजित करवाए थे और इसमें राजस्थान को स्थान कौन सा मिला पहला चौथा मिला तो फिर पहला स्थान के नाम किसको मिला तो इसके अंदर जो प्रथम स्थान पर रहा था भाई वो आपका रहा था केरल कौन रहा था प्रथम स्थान पर फर्स्ट रैंक पर था केरल ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है भाई ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है चार सौ इकतीस कार्यक्रम को इन्होंने क्या किया था अपलोड किया था कौन से पोर्टल पर इन्होंने संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किया था अब देखिए अगला सवाल और अगला सवाल है ये ये सवाल पूछा है आपसे मई 2022 में देखिए सवाल में से सवाल बनेगा आपके मई 2022 में अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री है जिनका नाम है अशोक गहलोत और अशोक गहलोत ने आर आरईवीपी -E नीति को मंजूरी दी और आर ई वी पी में ई का क्या मतलब है सवाल आपसे पूछा है आरई वी पी एक नीति जारी की गई थी और इसका मतलब इसके अंदर आपसे पूछा है ई का क्या मतलब है किसका मतलब ई का मतलब बताइए एंपावरमेंट एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिक या एमिशन बेहतरीन सवाल था और इसका जो राइट right आंसर था देखिए इस नीति का नाम था राजस्थान क्या नाम था भाई तो देखिए इसका नीति ना, का नाम था पूरा नाम था राजस्थान और राजस्थान इलेक्ट्रिक क्या नाम था राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन वाहन या जिसको कहते हैं वीई एच आई सी एल ई और पॉलिसी ये इसका पूरा नाम था अब ये पॉलिसी राजस्थान सरकार क्यों लेके आई भाई तो ये भी आपको याद रखना है कि सर ये जो पॉलिसी राजस्थान सरकार इसलिए लाई कि राजस्थान सरकार ने कहा है कि अब हमें बैटरी से संचालित यानी जो विद्युत संचालित क्या करना है भाई विद्युत या फिर बैटरी से संचालित वाहनों को बढ़ावा देना है तो बैटरी संचालित वाहनों को क्या देने के लिए बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी अब देखिए अगर आप अगला एग्जाम दोगे तो उसके अंदर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी कब बनाई तो ये पॉलिसी बनाई गई थी याद रखना मई 2022 में क्या मई 2022 में और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक क्या नाम है भाई ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक ये भी आपको क्या रखना है ये याद रखना कविता सुल्तान चारण सुरेश कड़वासरा सोनू वर्मा कविता अगला सवाल देखिए भाई और अगला सवाल है ये वाला सवाल आपसे पूछा है जुलाई दो में राजस्थान सरकार ने देश की इस देश की राजस्थान सरकार ने इस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू यू किया है एमओयू मतलब उनके साथ समझौता किया है और वो कंपनियां राजस्थान के अंदर 1338 करोड़ का क्या करेगी निवेश करेगी तो ये जो 13 कंपनियां हैं जो राजस्थान में 1338 करोड़ का निवेश कर रही है वो किस जिले की है ये किस देश की है ये आपको बताना था चार ऑप्शन थे आपके सामने जापान था उत्तरी कोरिया था फ्रांस था या अमेरिका था बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन तरीके से आपसे सवाल पूछा गया था बताइए वेरी गुड ज्योति वैष्णव सोनू वर्मा सोनू वर्मा कविता सुरेश कड़वासरा बेहतरीन सवाल है और ऐसे सवाल जब आपसे पूछा जाएगा तब आप कहोगे सर ये जो एमओ हुआ था वो जापान के साथ हुआ था और ये जो एमओ हुआ था इसकी क्या विशेषता रही होगी ये याद रखना तो ये यू कब हुआ था भाई ये हुआ था जुलाई 2022 में जुलाई 2022 में फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये किस स्थान पर हुआ था ये तो ये हुआ था भाई नीम राणा के अंदर नीम राणा कहां पर है तो नीम राणा अलवर के अंदर है अलवर के अंदर ये होता है इसके अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं जापान के जो राजदूत होते हैं वो भी यहां पर आते हैं और यहां पर क्या होता है भाई इसका कार्यक्रम का आयोजन होता है अब देखिए नीम के अंदर एक जगह है जिसका नाम है डाइकिन क्या नाम है भाई सवाल कभी पूछ ले तो ध्यान रखना सवाल है डाइकिन डाइकिन जापानी डाइकिन जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ डाइकिन जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस ये कहां पर है तो ये अपने के अंदर है जापान के द्वारा स्थापित किया गया है इसके अंदर इसका कार्यक्रम का क्या होता है भाई आयोजन होता है इसके अंदर और इसके अंदर एक बैठक होती है और उस बैठक में क्या आ गया कि भाई हम राजस्थान के तीन जगह पर एक तो नीम राणा के अंदर कहां पर एक तो है नीम के अंदर नीम राना कहां है अलवर के अंदर है एक है गिलोट गिलोट भी कहां पर है अलवर में इन दोनों के अलावा एक गांव था जिसका नाम था चापरिया गांव और सवाल आपसे पूछा जाएगा ये चापरिया कहां पर है तो चापरिया गांव है पाली और कहते हैं कि इन जापान की कंपनी के द्वारा 11 कंपनियों के द्वारा नीम राणा गिलोट और चापरिया पाली के अंदर क्या किया गया भाई कहा कि हम 1338 करोड़ रुपए का क्या करेंगे निवेश करेंगे इन्होंने क्या कहा निवेश करेंगे तो यह भी आपको याद रखना है कि कहां पर किया गया और अभी कभी पूछ ले राजस्थान में जापानी पार्क कहां पर है जापानी पार्क है नीम राणा के अंदर कहां पर है नीम राणा के अंदर है याद रखना और जापान से रिलेटेड जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं वो अलवर जिले में किए गए हैं किस जिले में किए गए हैं अलवर जिले में किए गए ये भी आपको याद रखना है भाई अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला सवाल पूछा है राजस्थान सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना जो कब शुरू की गई भाई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 इसमें क्या किया गया है संशोधन किया गया है और अब क्या किया गया है वरिष्ठ नागरिकता नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र पैंसठ के स्थान पर पढ़ी जानी चाहिए यानी राजस्थान सरकार की एक योजना है तीर्थ यात्रा योजना जिसमें यह कहा गया है कि पैंसठ साल से ज्यादा उम्र के जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उनको क्या जाएगा क्या एक अनुमति होगी सहायक की सहायक मतलब अपने साथ एक आदमी को ले जा सकते हैं अपने पारिवारिक आदमी के साथ और उसके लिए कितनी एज होनी चाहिए तो इसके लिए जो उन्होंने एज निर्धारण की थी वो की थी सितर वर्ष कितने वर्ष की थी सितर वर्ष की गई थी ये आपको क्या रखना है याद रखना है अब देखिए इसी में ही आपका एक सवाल और बन रहा है ये योजना कब शुरू की गई थी तो ये संशोधन किया गया था 15 जून 2022 को किया गया था इसके तहत इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो भी व्यक्ति है जो भी व्यक्ति है वो क्या किया जाएगा अगर सत्तर वर्ष से ज्यादा का है तो उसको हम क्या देंगे एक व्यक्ति जो उसके परिवार का सलासत सा जा सकता है अब देखिए एक योजना है इस योजना का संचालन कौन कर रहा है तो याद रखना भाई इस योजना का संचालन कर रहा है राजस्थान का एक विभाग है देव स्थान विभाग देवस्थान विभाग के द्वारा तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है जिसके अंदर कहते हैं राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष अठारह हजार जो व्यक्ति है उनको तो रेल के अंदर रेल यात्रा करवाती है रेल यात्रा के तहत तीर्थ करवाती है इसके अलावा दो हजार व्यक्ति है उनको किससे हवाई जहाज से यात्रा करवाती है किससे करवाती है भाई हवाई जहाज से यात्रा करवाती है इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि एक साल के अंदर कितने लोगों को क्या करवाई जाती है भाई तीर्थ यात्रा 20 लोगों को करवाई जाती है यह भी आपको याद रखना है सवाल पूछ ले विभाग द्वारा संचालित तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत कितने यात्रियों को या कितने यात्रियों को हवाई जहाज से के द्वारा यात्रा करवाई जाती है तो वो करवाई जाती है बीस हजार से टारगेट कितना है सॉरी दो हजार टारगेट कितना है बीस हजार अगला सवाल है और अगला सवाल है ये देखो अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यकारी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया तो अगस्त 2022 के अंदर राजस्थान के जो चीफ जस्टिस राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे वो इधर उधर हो जाते हैं तो कहते हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो रिटायर्ड होने के बाद किसको क्या किया जाता है भाई अतिरिक्त एडिशनल कार्य दिया जाता है वो बताना है आपको चार ऑप्शन है आपके सामने तो ये दिया गया था भाई न्यायमूर्ति एम एम मोहन यानी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को दिया गया था कार्यकाल अब आपको याद रखना है राजस्थान के अंदर अब राजस्थान को याद रखना है क्यों दिया गया था तो अपने राजस्थान के एक मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल थे एस एस शिंदे और एस एस शिंदे क्या करते हैं यहां से चले जाते हैं तो इनको बुलाया जाता है अभी आपसे सवाल पूछ ले कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है राजस्थान में वर्तमान में राज्यपाल कौन है अगर ये आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे तो आप जवाब दोगे सर राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में राज्यपाल है उनका नाम है भाई पंकज मिथल सॉरी वर्तमान के अंदर जो राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र कलराज मिश्र और फिर पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश कौन है राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल कौन है भाई पंकज पंकज मित्तल वर्तमान में क्या है भाई राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है यह भी आपको याद रखना है ये कहां से आए थे राजस्थान के अंदर तो इससे पहले ये जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे जम्मू कश्मीर से इनका स्थानांतरण करके इनको राजस्थान में लाया गया सवाल आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में न्यायाधीशों के कितने पद है तो राजस्थान के अंदर जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों के कितने पद है भाई पचास बताएं ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 29 अगस्त 1949 को और राजस्थान मुख्य न्याय 1908 अगस्त 1949 को होती है फिर आपसे पूछ ले राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश न्याय जो मुख्य न्यायालय है वो कहां पर है वो अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर जोधपुर जिले में क्या है भाई मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय है ये भी आपको याद रखना है भाई ठीक है आगे देखते हैं अगले सवाल को और अगला सवाल अपने स्क्रीन पर है वो ये है ये पूछ रहा है जून 2022 में जून 2022 में अशोक गहलोत ने क्या किया था दो राजकीय महाविद्यालयों का नाम कर दिया गया था किसके नाम पर स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर ये जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर नाम किया गया था इसके लिए कौन कौन से जिले शामिल थे बूंदी व टोंक जयपुर व जोधपुर जयपुर व जैसलमेर जोधपुर व डूंगरपुर ये आपको बताना था बिल्कुल अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है बता दीजिए भाई सवाल आपसे ये पूछा है कि बताइए भाई हमारे राजस्थान के अंदर दो व्यक्तियों के नाम पर दो राजकीय विद्यालयों का नाम क्या किया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया गया है और उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बताना है आपको बताइए बूंदी व टोंक जोधपुर व जोध जयपुर व जोधपुर कौन से जिले के थे वेरी गुड गोविंद बिल्कुल आपने सही बताया जोधपुर और डूंगरपुर कहते हैं कि जोधपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है गिलाकोर कौन तो से एक में पड़ता है भाई जोधपुर के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है गिला और गिलाकोर के अपने एक क्रांतिकारी हुए थे कौन हुए थे भाई गिलाकोर के एक क्रांतिकारी हुए थे जिनका नाम था स्वर्गीय मंगल सिंह तो अब गिला स्कूल का नाम क्या कर दिया गया स्वर्गीय मंगल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गिला और उसी प्रकार एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर और डूंगरपुर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कारवाड़ा और कारवाड़ा गांव के राजस्थान के अंदर अपने एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए थे और उनका नाम था स्वर्गीय धूलजी भाई वर्मा तो देखिए इस कारवाड़ा गांव के अंदर जो स्कूल थी उनका नाम बदलकर क्या कर दिया स्वर्गीय धूलजी भाई वर्मा राजकीय उच्च माध्यम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारवाड़ा डूंगरपुर कर दिया गया था यह भी आपको क्या रखना है याद रखना है डूंगरपुर और जोधपुर है सही है पोर्टल टू पॉइंट जीरो किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था तो आर टी है ना आर पोर्टल दो किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था राजस्थान महिला एवं बाल विकास आयोग राजस्थान लोक सेवा आयोग राज्य सूचना आयोग या राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग इतना बेहतरीन सवाल आपसे पूछा था आपको याद करना था रामदेव पवन भारती मीणा राज चौहान जैसलमेर रामदेव कविता द्रौपदी चंदिल बताइए गोविंद बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपने किया दिया है आंसर दिया है कहते हैं बात है आपकी चार अप्रैल की चार अप्रैल 2022 को क्या हुआ था कि हमारे राजस्थान के अंदर जो मुख्य सूचना आयुक्त है कौन से आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त थे उनका नाम है डीबी गुप्ता तो मुख्य सूचना आयुक्त जिनका नाम है डीबी गुप्ता और डीबी गुप्ता ने एक और क्या किया था भाई आरटीआई पोर्टल की शुरुआत की और इस IT, पोर्टल के अंदर दो सौ छप्पन विभाग कितने भाई तो याद दो सौ पिछत्तर विभागों को इस पोर्टल से जुड़ा था तो दो सौ पिछहतर विभागीय किसमें जोड़े गए थे भाई तो आप कहोगे सर ये जोड़े गए थे आरटीआई पोर्टल टू पॉइंट जीरो जिसकी शुरुआत चार अप्रैल दो हजार बाईस को हुई थी अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला और ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई राजस्थान में हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार ने गोबर धन योजना के तहत एच ने गोबर संपीडित गैस परियोजना की शुरुआत की है तो देखिए एक भारत सरकार की योजना है यह योजना किसकी है गोबर धन कहा गोबर से क्या कमाओ धन कमाओ धन अपनी केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की इस गोबर धन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले के अंदर एच हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका पूरा नाम है ने गोबर संपीडित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है यह कहां से की हिंडोली

गोबर बायोगैस परियोजना कौन सी परियोजना बायोगैस परियोजना है इस बायोगैस परियोजना के बारे में आपसे पूछा जाएगा पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 23 अगस्त 2022 को इसकी क्या होती है शुरुआत होती है ठीक है दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इसका प्रारंभ किस कंपनी के द्वारा किया गया था तो इसका निर्... जो प्रारंभ किया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया था किस स्थान पर किया गया था तो यह किया गया था भाई से और कहाँ पर है जालोर जिले में फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड और आपसे पूछा जाएगा बताइए भाई इसके अंदर किसका उत्पादन किसका होगा इसमें तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो ऑटोमोबाइल होते हैं ना ऑटोमोबाइल्स वाहन या ऑटोमोबाइल्स ईंधन का क्या होगा ऑटोमोबाइल ईंधन उसका क्या होगा भाई उत्पादन होगा फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव के तहत प्रति दिन, इस प्रस्ताव के तहत कहा गया है इस बायोगैस को बनाने के लिए किसको इस बायोगैस को बनाने के लिए कितना गोबर एक दिन के लिए चाहिए तो इसके लिए कहते हैं कि प्रतिदिन कितने दिन प्रतिदिन क्या कहा गया है भाई प्रतिदिन हमें सौ टन गोबर चाहिए कितना गोबर चाहिए सौ टन गोबर चाहिए और इस सौ टन गोबर से हम क्या बनाएंगे भाई हम बनाएंगे यहाँ पर सम बायो गैस बनाएंगे ये योजना थी आपको याद रखना था बेहतरीन सवाल है और ध्यान रखना यहां से सवाल आपके कभी भी किसी भी एग्जाम में टपक सकते हैं अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है और उस सवाल का नाम है ये देखिए और यह सवाल है ये वाला मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है कि एक सभा थी मीणा क्षेत्रीय सभा और मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी बेहतरीन सवाल है अच्छे से आपको इसका क्या देना है आंसर देना है 1933, 1946, 1944 या फिर 1933 इतना अच्छा सवाल आपसे पूछा है बताइए मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी यह आपको बताना है बता दीजिए भाई मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी भाई वेरी गुड एम आर के शर्मा इसकी स्थापना 1933 में होती है क्या होती है भाई 1933 में होती है मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना अब आपको याद रखना है अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था तो याद रखना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पारित किया गया था तो आप कहोगे सर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब पारित किया गया था तो आप कहोगे सर ये पारित किया गया था 1924 में फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई एक सम्मेलन होता है वो होता है सात अप्रैल उन्नीस को सात अप्रैल उन्नीस को मीणा का मीणा समाज का एक बहुत बड़ा क्या होता है सम्मेलन होता है वृहद सम्मेलन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं जैन मुनि मगन सागर और जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता के अंदर कहते हैं कि एक जगह पड़ती है अपने कहाँ पर शिक्कर के अंदर पड़ती है नीम का थाना और नीम का थाना में यहाँ पर क्या हुआ था नीम का थाना में एक सम्मेलन हुआ था तो ये भी याद रखना है नीम का थाना सम्मेलन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी जैन मुनि मगन सागर ने की थी और मुनि मगन सागर ने ही मीणा पुराण लिखा था कौन सा पुराण लिखा था मीणा पुराण लिखा था फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताइए भाई मीणा सुधार समिति मीणा सुधार समिति के संस्थापक कौन थे ये भी सवाल पूछ ले मीणा सुधार समिति के अध्यक्ष थे वो थे बंसीधर शर्मा कौन थे भाई बंशीधर शर्मा थे ये भी याद रखना है ये भी सवाल परीक्षा में क्या किया गया है पूछा गया है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताइए भाई पूछा जाएगा कि 3 जुलाई 1946 को राजस्थान के अंदर जयपुर पहली रियासत थी जिसने कानून को रद्द किया था जरायम पेशा कानून जरायम पेशा कानून को रद्द करने वाले कौन थे तो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल थे उन्होंने इस कानून को क्या किया था रद्द किया था हालांकि व्रत स्तर पर इस, इस पर रोक कब लगती है उन्नीस में जरायम पेशा एकदम से क्या होता है भाई इस जरायम पेशे पर क्या लग जाती है रोक लग जाती है जरा पैसा रद्द कर दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 28 अक्टूबर 1946 को 28 अक्टूबर 1946 की बात है 28 दस नाइनटीन फोर्टी सिक्स अपने एक पड़ता है बागावास और इस बागावास के अंदर कहते हैं कि मीणा जनजाति के द्वारा एक दिवस मनाया गया था मुक्ति दिवस तो सवाल आपसे पूछा जाएगा मीणा जनजाति द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था तो वो 28 अक्टूबर 1946 को मनाया गया था ये भी याद रखना है ये भी याद रखना है क्योंकि सवाल के पास में आपको बहुत 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 ज्यादा क्या मिलेंगे सवाल मिलेंगे भाई अगला सवाल है और अगला सवाल है ये वाला राजस्थान के किस जिले की पुल जिले की ब्लैक पोल्ट्री फूल दानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है तो सवाल आपसे पूछा है ब्लैक पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है बेहतरीन सवाल पूछा गया था बता दीजिए भाई और इतना अच्छा सवाल पूछा गया था और इसका राइट आंसर बताना था आपको बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होने वाला था अरविंद जैसलमेर सुनीता एम आर एम के शर्मा सरजीत सिंह रामदेव राज चौहान जैसलमेर बता दीजिए भाई बेहतरीन सवाल का बेहतरीन आंसर है एक अपनी जगह है कोटा कौन सी जगह है भाई कोटा और कोटा में किसकी शुरुआत होती है भाई ब्लैक पोल्ट्री की शुरुआत होती है, है। अलवर के अंदर कौन सी पोल्ट्री है तो अलवर के अंदर जो पोट्री है उसका नाम है भाई कागजी पोट्री कागजी या फिर पेपर या फिर इसको कटलेट क्या कहा जाता है कटलेट पोट्री कहा जाता है जो कहाँ की है अलवर की है फिर आपसे पूछा जाएगा सुनहरी पोट्री कहाँ की है तो सुनहरी पोट्री है बीकानेर की कहाँ की है भाई बीकानेर की सुनहरी पोट्री है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताइए भाई हमारे राजस्थान में लाख की पोट्री कहाँ पर है तो देखिए बीकानेर के अंदर एक और पोट्री है जिसका नाम है लाख की पोट्री और लाख पोट्री भी कहाँ पर है बीकानेर की फिर आपसे पूछा जाएगा ब्लू पोट्री कहाँ की है ब्लू तो पोर्ट्री के, के बारे के में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर ये जयपुर की है कहाँ की है भाई जयपुर की है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा पोकरण पोट्री कहाँ की है तो पोकरण पोट्री के बारे में जैसे ही आपसे सवाल पूछा जाएगा आप कहोगे सर ये कहाँ की है जैसलमेर की है आप देखिए राजस्थान के अंदर दो पोट्रिया है एक है जयपुर की ब्लू पोर्ट्री और एक पोकरण पोट्री इन दोनों को कौन सा टैग मिल चुका है जीआई टैग मिल चुका है भौगोलिक चिन्ह मिल चुका है कौन सा चिन्ह मिल चुका है भौगोलिक चिन्ह मिल चुका है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है भाई तो सुनहरी कोट लाल सुनहरी ब्लू लाख ये आपको क्या रखनी है याद रखनी है अक्सर ऐसी पोट्रियों के बारे में सवाल परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं ये भी आपको याद रखना है आगे देखते हैं अगले सवाल पर और अगले सवाल का मतलब ये सवाल है पूछा है निमाड़ी किसकी उपबोली है बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है कि एक बोली है निमाड़ी और निमाड़ी बोली है ये किसकी उपबोली है बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है मुझे बार बार जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ डी कहाँ मिलेगी तो मैं आपको बता दूं भाई इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो हमारा तक्षशिला एकेडमी का जो ऐप है ना उस ऐप में मिलेगी ऐप को डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल आपको ये फ्री में क्या मिलेगी ये मिलेगी याद रखना पीडीएफ तो हमारी जो पीडीएफ है वो कहां पर मिलती है हमारे ऐप के अंदर मिलती है हमारे मतलब आपके खुद के ऐप पे मिलती है जो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो वहां से आप क्या कर सकते हो इसको डाउनलोड कर भी सकते हो दूसरी बार पढ़ने के लिए अब आपसे पूछा है निमाड़ी बोली के बारे में तो याद रखना भाई निमाड़ी बोली के बारे में पहली बात तो ये कहाँ की बोली है मालवी बुकी उप है किसकी मालवी की उपबोली है अब आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ मेरे भाई ये जो निमाड़ी बोली है ना इस निमाड़ी बोली के बारे में आप क्या जानते हैं तो आप कहोगे सर ये जो निमाड़ी बोली है ये इस पर कहते हैं गुजराती और मराठी भाषा का क्या दिखता है प्रभाव दिखता है एक तो गुजराती भाषा है और दूसरी कौन सी है मराठी और इन दोनों भाषाओं का क्या दिखता है भाई प्रभाव दिखता है फिर आपसे पूछा जाएगा कहां पर बोली जाती है तो आप कहोगे सर मूल रूप से तो ये बोली जाती है अपने दक्षिणी राजस्थान में लेकिन दक्षिणी राजस्थान में भी कहां बोली जाती है तो आप कहोगे सर ये बोली जाती है प्रतापगढ़ के अंदर और झालावाड़ के अंदर प्रतापगढ़ और झालावाड़ के अंदर बोली जाती है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यह जो निमाड़ी बोली है इस निमाड़ी बोली की अन्य उपबोलियां कौन सी है तो एक भाषा है जिसका नाम है रांगड़ी एक भाषा है जिसका नाम है रतलामी कौन सी भाषा है भाई रतलामी एक भाषा है जिसका नाम है पाटवी एक भाषा है जिसका नाम है सोडावाटी कौन सी है भाई सोडावाटी है एक भाषा है जिसका नाम है उमठावाटी कौन सा भाई उमठवाटी है ये सारी की सारी क्या है भाई इस निमाड़ी बोली की कौन सी बोली है भाई उप बोलियां है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है बेहतरीन सवाल है बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे स्मार्ट स्टडी करोगे तो ही इस कंपटीशन भरे युग में आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं अगला सवाल देखो और अगला सवाल है ये सम्राट अकबर ने इस संत को फतेहपुर सिकरी में आमंत्रित किया था तो अकबर ने किसको फतेहपुर सिकरी में बुलाया था कौन से संत को बुलाया था यह आपको बताना है हरिदास जी दादू दयाल जी नामदेव जी या रज्जब जी इतना अच्छा सवाल है इसका बेहतरीन जवाब देना है आपको देखिए बताइए भाई सोनू कुमार रामदेव राज चौहान जैसलमेर ज्योति सीमा गराशिया तुलसीराम मीणा ज्योति ज्योति सुरेश कड़वासरा सोनू कुमार शनि देवड़ा आंसर बता दीजिए भाई बेहतरीन सवाल है मुन्नी राठी तो देखिए भाई इसका राइट आंसर है दादू दयाल कहते हैं कि दादू दयाल ने 1585 में पंद्रह में अकबर से मुलाकात की थी और ये मुलाकात किसके मान सिंह के सहयोग से होती है किसके सहयोग से मान सिंह द्वारा करवाई जाती है और ये इनकी मुलाकात होती है वो कहाँ पर होती है तो ये होती है भाई फतेहपुर सिकरी में कहते हैं कि फतेहपुर सिकरी के अंदर अपने जो दादू दयाल जी थे पूरे चालीस दिन रहते हैं और पूरे चालीस दिन यहाँ पर रहकर क्या करते हैं भाई अकबर के साथ अलग अलग बातों पर क्या करते हैं धार्मिक बातों पर क्या करते हैं भाई चर्चा करते हैं आपको पता है दादू को दादू दयाल कहा जाता है दादू दयाल ने कौन से पंथ की स्थापना की थी दादू पंथ की स्थापना की थी दादू पंथ की जो प्रधान पीठ आपसे पूछी जाएगी तो आप कहोगे सर नारायणा के अंदर है नारायणा कहाँ पर है तो जयपुर के अंदर है फिर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि संत दादू दयाल के गुरु कौन थे तो आप कहोगे सर गुरु थे इनके वृद्धानंद जी कौन थे वृद्धानंद जी थे वृद्धानंद का मतलब क्या होता है बुढा आदमी या फिर वृद्धानंद जी या फिर आपको ऑप्शन में मिलेंगे बुड्डन जी तो जी इनके क्या याद रखना है अंदर जो ये दयाल थे, इन्होंने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे तो इन्होंने उपदेश दिए थे वो दिए थे ढूंढाड़ी भाषा में या फिर ढूंढाड़ी भाषा को ही क्या कहा जाता है सद्दूकड़ी बोली कहा जाता है कौन सी सद्दुकड़ी बोली कहा जाता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ये दादू दयाल का जो सत्संग स्थल होता है इसे सत्संग स्थल को क्या कहते हैं तो सत्संग स्थल को कहते हैं भाई अलख दरीबा कौन सा दरीबा कहा जाता है अलख दरीबा कहा जाता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना अलख दरीबा कहा जाता है फिर आपसे पूछा जाता है इस दादू दयाल में अभिवादन कैसे किया जाता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो अभिवादन के तौर पर क्या कहता है राम कहता है दादू ऐसा जिसके अंदर कहते हैं मृत व्यक्ति को क्या नहीं किया जाता है व्यक्ति को क्या किया जाता है जानवरों के खाने के लिए क्या किया जाता है खुले में छोड़ दिया जाता है खुले में क्या कर दिया जाता है छोड़ दिया जाता है ताकि जानवर उसको क्या कर सके खा सके दादू दयाल के टोटल शिष्य थे एक लेकिन जो मुख्य शिष्य थे उन वो थे बावन जिनको कौन सा स्तंभ कहा जाता है बावन स्तंभ कहा जाता है दादू दयाल का जो पंथ होता है दादू पंथ आगे जाकर पांच भागों में क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है दादू दयाल के पंच तीर्थ कितने तो दादू दयाल के भाई पंच तीर्थ अगर पूछे पांच मुख्य स्थल है और पांच मुख्य तीर्थ स्थलों को क्या कहा जाता है पंच तो तीर्थ कहा जाता है और ये सारे के सारे पंच तीर्थ कहां पर है जयपुर के अंदर है कहां पर है भाई जयपुर के अंदर है ऐसा कहा जाता है कि दादू दयाल का जन्म तो कहां पर हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। लेकिन कहते हैं कि इनके माता और पिता ने या इनकी माता ने इनको क्या कर दिया था छोड़ दिया था और एक संदूक में डालकर इनको नदी में बहा दिया था हालांकि कहते हैं कि नदी में बहाने के बाद ये लोधी नामक एक व्यक्ति को मिलते हैं और लोधी ने इनका क्या किया था पालन पोषण किया था ये भी आपको याद रखना है भाई ये दादू दयाल के बारे में ऐसे बहुत सारे अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या बन चुके हैं सवाल बन चुके हैं और अगला सवाल देखें और अगला सवाल है ये ये सवाल आपसे पूछा है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सवाल आपसे इतना अच्छा पूछा है कि राजस्थान के इन जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको क्या करना है भाई व्यवस्थित क्रम में रखना है तो देखिए एक इधर जिला है जिसका नाम है अपने जैसलमेर फिर देखिए इधर एक जिला पड़ता है जो जयपुर है इधर इधर एक जिला पड़ता है अजमेर फिर देखिए इधर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पाली कौन सा जिला पड़ता है भाई पाली पड़ता है ये इधर पड़ता है पाली और इधर पड़ता है भाई अपने राजसंबंध तो आपको यह बताना था कि इसका क्रम क्या होगा बेहतरीन सवाल था और बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना था पूछा किस्सा है पूर्व से पश्चिम यानी यहां से चलना है इधर चलोगे तो पहला जिला कौन सा आएगा पहला जिला आपका आया धौलपुर कौन सा जिला आया भाई धौलपुर है यानी पाली है आपके राजसमंदी है ना तो ये धौलपुर जिला आया धौलपुर से शुरुआत हुई धौलपुर से अजमेर अजमेर से पाली पाली से जैसलमेर यानी जिसने चार तीन दो एक पे नजर डाल दी उसका सवाल क्या हो गया था भाई एकदम एक्यूरेट सही हो गया था अब देखिए अगला सवाल और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है और अगला सवाल है ये उदयपुर राजस्थान का उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था यह आपको बताना है 18 अप्रैल 1948, 30 अप्रैल 1949, 18 मार्च 1948 या 30 मार्च उन्नीस बता दीजिए भाई बेहतरीन आंसर है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना बता दीजिए भाई इतना अच्छा सवाल पूछा था उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब किया गया था बताइए अब देखिए मैं आपको यह भी बता दूं कहते हैं कि अजमेर का जब राजस्थान उदयपुर का जब राजस्थान में विलय किया गया था तो मेवाड़ के शासक बप्पा सिंह ने तीन शर्तें रखी थी उन्होंने कहा मेरी अगर तीन शर्तें मान ती लो तो मैं उदयपुर को किस में शामिल करूंगा राजस्थान में शामिल करूंगा पहला उन्होंने क्या कहा था पहला उन्होंने क्या कहा कि मुझे चाहिए प्रीवी पर्स और प्रीवी पर्स में मुझे कितने लाख रुपए चाहिए बराबर चाहिए मुझे कितने लाख बीस लाख रुपए कितने लाख रुपए बीस लाख रुपए इन्होंने किसके लिए मांगे थे प्रीवी पर्स के लिए इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि मुझे मेवाड़ का क्या बनाना है मेवाड़ का क्या बनाना है भाई मुझे राजस्थान का राज प्रमुख बनाना है और राज प्रमुख मेरे और मेरे वंशजों को मेरे वंशज ही राजस्थान के क्या बनेंगे राज प्रमुख बनेंगे एक तो इन्होंने दूसरी शर्त ये रखी थी तीसरी शर्त इन्होंने क्या रखी थी तीसरी शर्त इन्होंने ये रखी कि आपको क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा कि मुझे क्या देना पड़ेगा राजधानी देनी पड़ेगी और राजधानी मुझे किसको देनी पड़ेगी भाई राजधानी आपको उदयपुर बनानी पड़ेगी राजस्थान की ये इन्होंने शर्तें रखी थी हालांकि इनका प्रीवी पर्स कितना कर दी जा दिया जाता दस दी जा जा ता ता है दस लाख रुपए इनको प्रीवी पर्स दिया जाता है पांच लाख रुपए इनको जागीर के तौर पर दी, जा दी जाती है और पांच लाख इनके धार्मिक कार्य के लिए दिए जाते हैं राजप्रमुख इनको बना दिया जाता है लेकिन राजधानी उस समय तो जयपुर उदयपुर बनाई जाती है लेकिन बाद में क्या कर दी जाती है जयपुर कर दी जाती है अब देखिए मैं आपको बता दूं और और अब देखिए अगला सवाल और अगला सवाल भी आपको बेहतरीन सवाल मिलेगा और आपको याद रखना है इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा 18 अप्रैल 1948 18 अप्रैल 1948 को अंदर संयुक्त राजस्थान का क्या किया जाता है राजस्थान में विलय किया जाता है जिसका उद्घाटन किसने किया था तो इसका उद्घाटन करने वाले थे देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था नेहरू फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा उस समय उदयपुर का पीएम यानी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तो आपको सर लाल वर्मा को लाल वर्मा को इनका क्या बनाया गया भाई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया गया था और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह जी को और भीम सिंह जी अपने किस रियासत के थे तो कोटा रियासत के थे किस रियासत के कोटा रियासत के थे यह भी आपको क्या रखना है याद रखना है यह भी आपको क्या रखना है भाई याद रखना है अगला सवाल है ये किस लोक देवता की मूर्ति लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे इतना अच्छा सवाल पूछा है कि लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवताओं का क्या बना हुआ है भाई मंदिर बना हुआ है ये आपको बताना था तो देखिए अपने राजस्थान के एक लोक देवता है जिनका नाम है मल्लीनाथ जी मल्ली नाथ जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मल्ली नाथ जी इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है भाई तिलवाड़ा के अंदर तिलवाड़ा कहाँ पर है बाड़मेर के अंदर है और पूछा जाएगा किस नदी के किनारे लूणी नदी के किनारे फिर पूछा जाएगा कि मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे तो गुरु का नाम था उगमराज या फिर याद रखना उगम सिंह भाटी फिर आपसे पूछा जाएगा इनकी पत्नी का क्या नाम था तो पत्नी का नाम था एक दे जिसका नाम था रूपा दे और रूपा दे का मंदिर आपसे पूछा जाएगा इन रूपा दे का मंदिर कहाँ पर है तो इनका मंदिर भी, भी माया है भाई जाल गाँव में जाल गाँव कहाँ पर है तो माया जाल गाँव है अपने बाड़मेर जिले के अंदर फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मल्लीनाथ जी थे मल्लीनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी तो इनके पंथ का नाम याद रखना भाई कुंडा पंथ कौन सा पंथ कुंडा पंथ की या नाम याद रखना है ये भी आपको याद रखना है मल्लीनाथ जी की याद में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आयोजित होता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है लूणी नदी के किनारे होता है कब होता है तो ये होता है भी चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण एकादशी से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है तो चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है यानी टोटली ये कितने दिनों तक चलता है पंद्रह दिन तक चलता है इसमें सबसे ज्यादा कौन सी नस्ल की गाय आती है तो इस मेले के अंदर सबसे ज्यादा थार पारकर की गाय आती है और एक नस्ल है मालानी थार पारकर की तो गाय आती है और एक आता है अपने मालानी नस्ल का एक क्या है घोड़ा मालानी नस्ल के घोड़े सबसे ज्यादा इस मेले के अंदर बिकते हैं और थार पारकर नस्ल की गाय भी यहाँ पर सबसे ज्यादा बिकती है ये भी आपको याद रखना भाई अगला सवाल देखिए और अगला सवाल है बेहतरीन सवाल और बेहतरीन सवाल है ये वाला जिसका आपको क्या देना है आंसर देना है दीजिए भाई ये सवाल है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड रामसर वेटलैंड में कन्वेंशन में शामिल किया गया है जय समंद पंचपद्रा सांबर या आना सागर झील इतना अच्छा सवाल पूछा है और आपको ये बताना था कि भाई बताइए राजस्थान के अंदर कौन सी झील को रामसर वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया था इतना अच्छा सवाल है बेहतरीन सवाल है बता दीजिए भाई रामदेव कविता सन्नी देवड़ा बताइए भाई एम आर एम के शर्मा द्रौपदी चंदेल कविता प्रवीण राणा बताइए भाई सन्नी देवड़ा तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं वो है सांबर झील सांबर झील कहां पर है जयपुर के अंदर है कौन सी यहाँ कहाँ पर है जयपुर के अंदर है आपको याद होगा तो देखिए ऐसा कहा जाता है दो फरवरी उन्नीस की बात है दो फरवरी उन्नीस के अंदर अपना एक देश है जिसका नाम है ईरान और ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर रामसर के अंदर जलवायु सम्मेलन होता है जिसको नाम दिया जाता है रामसर कन्वेंशन और यहां पर कहते हैं कि एक सौ इकहत्तर देश के यहाँ पर भाग लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर एक मुद्दा चलता है कि भाई देखिए हमारे देश में और पूरे विश्व में ऐसी जगह पर भी जीव रहते हैं जिसको हम वेटलैंड कहते हैं वेटलैंड का मतलब क्या होता है कादा कीचड़ वेट का मतलब क्या होता है गीला लैंड का मतलब जमीन तो जहां पर कादा कीचड़ वाली जो जगह होती है जहां पर पूरा का पूरा क्या होता है पूरी की पूरी भूमि होती है वो मिट्टी से मिट्टी और पानी का मिश्रित रूप देखने के लिए मिलता है तो वहां पर कहते हैं कि बहुत सारे जीव रख रहते हैं और जो जिसको नम भूमि कहा जाता है नम भूमि में रहने वाले जीवों को रहने वाले जीवों का क्या करना था संरक्षण करना था रहने वालों का क्या करना था संरक्षण रहने वालों या रहने वाले जीवों का संरक्षण करना था तो कहते हैं कि यहां पर इन्होंने मुद्दा उठाया और मुद्दा उठाने के बाद बात आगे बढ़ी आगे बढ़ने के बाद कहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक तो सांबर को शामिल किया गया था जो 1990 को किया गया था और दूसरा पहला किया गया था जिसको किया गया था केवला देव केवला देव को भी किसमें शामिल किया गया भाई रामसर वेटलैंड भूमि के अंदर क्या किया, किया गया था शामिल किया गया था और केवला देव को पहली पहला जो अपना स्थल था वो केवला देव था अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अपने राजस्थान के अंदर एक कमिटी बनाई गई थी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान से सुनना सवाल ये बनेगा आपके कि सवाल पूछा जाएगा राजस्थान स्टेट वे, वेटलैंड अथॉरिटी की स्थापना कब हुई तो राजस्थान राज्य राजस्थान स्टेट वेटलैंड क्या पूछा है वेटलैंड राजस्थान स्टेट वेटलैंड मतलब नम भूमि और नम भूमि अथॉरिटी की स्थापना कब होती है तो इस अथॉरिटी की स्थापना होती है भाई 2010-2018 के अंदर कब होती है भाई 2018 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन होता है भाई राजस्थान का जो पर्यावरण मंत्री होगा जैसे अभी हमारे सुखराम जी विष्णु पर्यावरण मंत्री है तो वो इसके क्या है भाई अध्यक्ष है इसका मुख्य काम होता है कि भाई जो केवला देव या वेटलैंड भूमि से संबंधित जो भी क्षेत्र है उनका संरक्षण करना और इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं तो बीस सदस्य होते हैं ये भी आपको याद रखना है अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा आद्र भूमि नम दिवस कब मनाया जाता है आद्र भूमि दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है तो आप कहोगे सर आद्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है दो फरवरी को कब मनाया जाता है भाई दो फरवरी को मनाया जाता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है सवाल कहीं ना कहीं से तो आपके परीक्षाओं में टपकेगा याद रखना भाई नंबर यहां से बनेंगे अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में कितने रामसर स्थल है तो अब तक रामसर राजस्थान में बावन रामसर स्थल है बावन और सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है तो सर्वाधिक जो वेटलैंड भूमि है वो अपने गुजरात जिले में क्योंकि गुजरात की सीमा तटीय राज्यों के साथ लगती है और तटीय राज्यों के साथ लगने के कारण क्या कहा जाता है आर्द्र भूमि नम दिवस यानी आद्र भूमि या वेटलैंड की सबसे ज्यादा प्रासंगिकता यहीं पे दिखती है भाई अगला सवाल है और अगला सवाल है ये वाला और ये सवाल आपसे पूछ रहा है बताओ भाई ये सवाल भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक है तो एक ग्रंथ है भारतीय प्राचीन लिपिमाला और इस ग्रंथ को किसने लिखा था इतना अच्छा सवाल पूछा है विश्वेश्वर नाथ रेहू रामकरण अशोपा डॉक्टर गौरीशंकर हिराचंद ओझा या मुनि जीन विजय और यह सवाल आपसे पूछा गया है वन रक्षक का जो पेपर हुआ है उसी में पूछा गया है तो बता दीजिए भाई राइट आंसर इसका क्या है एम आर सोनू कल्पना गौतम कंचन नेगी है भाई सन्नी देवड़ा मिस्टर सोनू वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए लाइक कीजिएगा भाई अब देखिए अगला सवाल और अगला सवाल है इसके अंदर ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा गौरीशंकर हीराचंद ओझा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था रोहिड़ा गांव में और रोहिड़ा गांव कहां पर है तो रोहिड़ा गांव है अपने राजस्थान के किस जिले में रोहिड़ा गांव है सिरोही जिले में इनका होता है जन्म इन्होंने कई राज्यों का इतिहास लिखा था जैसे बीकानेर का इतिहास लिखा सिरोही का इतिहास लिखा मेवाड़ का इतिहास लिखा मारवाड़ का इतिहास लिखा काफ़ी राज्यों का इतिहास लिखते हैं और इनको कहते हैं कि दो उपाधियां भी दी गई थी कितनी उपाधियां दी गई थी दो उपाधियां दी गई थी जिसके अंदर एक उपाधि इनकी कौन सी थी राय बहादुर राय बहादुर की भी इनको उपाधि दी गई थी इसके अलावा इनको महोपाध्याय कौन सा अध्याय महोपाध्याय की भी क्या दी गई थी उपाधि दी गई थी ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है क्योंकि अक्सर सवाल क्या पूछे जाते हैं परीक्षाओं में बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं कैसे सवाल बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं राय बहादुर और महोपाध्याय की उपाधि दी गई थी इसके अलावा इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास लिखा था कभी पूछ ले कि ये अपना गुरु किसको मानते थे तो ये गुरु मानते थे भाई वीर विनोद के लेखक थे श्यामल दास और श्यामल दास को अपना क्या मानते थे ये गुरु मानते थे ये भी आपको याद रखना है भाई आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल मिलेगा आपको और ये सवाल है ये वाला देखिए कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है तो राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संस्थान कार्य कर रहा है आर एफ सी रिको रा रीड कोर इतना बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है बता दीजिए भाई राइट आंसर क्या है इसका राजस्थान की वित्तीय संस्थान जो हस्तशिल्प विकास को बढ़ावा दे रहा है राजस्थान वित्त निगम रिको रासिको या रेड कोर इतना अच्छा सवाल है बता दीजिए भाई कंचन नेगी हरिओम मीणा सौरभ मीणा द्रौपदी चंदेल रामदेव वेरी गुड एमआर सोनू तो देखिए राज सिको राज सिको से रिलेटेड आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई राज सिको की स्थापना कब होती है तो राज सिको की स्थापना होती है वो होती है भाई अपने तीन जून 1961 को तीन जून 1961 में इसकी क्या होती है स्थापना होती है इसका प्रमुख कार्य क्या है तो इसका कार्य है भाई हस्तशिल्प उद्योगों को क्या करना बढ़ावा देना और उनको क्या देना ऋण प्रदान करना यानी जो लघु उद्योग है उनको ऋण देना है फिर देखिए इनके बारे में पूछा जाएगा और इनको वित्तीय सहायता देना अब देखिए सबसे बड़ी बात राज सिखो की पूछी जाएगी कि राज सिखो क्या करता है या राज सिखो क्या करता है तो जो छोटे उद्योग होते हैं ना उनको ये ऋण देता है और जो हस्तशिल्प उद्योग में निर्भर व्यक्ति है उनका जो क्या होता है भाई उनके जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों का ये क्या करता है भाई बेचने का कार्य करता है ये किस नाम से ये सामान बेचता है तो ये राजस्थली एम्पोरियम के नाम से क्या बेचता है सामान बेचता है राजस्थली एम्पोरियम के नाम से ये क्या बेचता है अपना सामान बेचता है और राज सिक्को के अभी अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है भाई सुनील परिहार कौन है भाई सुनील परिहार जो जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं वो इसके क्या है भाई अध्यक्ष है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है और ये राजस्थान के अंदर लघु उद्योगों से रिलेटेड मेलों से रिलेटेड ये सारे क्या करता है भाई काम करता है अब देखिए अगला सवाल और अगला सवाल भी आपको बताना है राइट आंसर है जैसे इसमें मैं आपको दो सवाल और बता दूं जैसे आर एफ सी आरएफसी की स्थापना कब होती है 1955 में होती है इसका प्रधान कार्यालय कहां पर है तो इसका प्रधान कार्यालय कहां पर है भाई जयपुर के अंदर है और ये उद्योगों को ऋण देती है और ये उद्योगों को ऋण कितना देती है भाई तो 20 करोड़ रुपए तक का ये क्या देती है ऋण देती है आर एफ सी जिसका नाम है राजस्थान वित्त निगम लिमिटेड अब देख राजस्थान वित्त वित्त निगम है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये रिको रिको की स्थापना कब हुई थी तो रिको है ना ये रिको इसके बारे में याद रखना कि रिको की स्थापना होती है भाई 28 मार्च 1969 के अंदर 28 मार्च उन्नीस को इसकी स्थापना हो जाती है ये क्या करता है तो जो वृहत और लघु उद्योग है उन वृहत और लघु उद्योगों को क्या देता है भाई इन दोनों को यह वित्तीय सहायता और वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने का कार्य करता है आगे देखिए और अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं अगला सवाल है ये इतना अच्छा सवाल पूछा है इनमें से असंगत बताना था चौरासी खंभों की छतरी तो बता दू मेरे भाई चौरासी खंबों की छतरी अपने कोटा में है नहीं ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर के अंदर मामा बांजा की छतरी जयपुर के अंदर पृथ्वीराज कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ के अंदर तो देखिए इसके अंदर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है वो कहां पर है कुंभलगढ़ दुर्ग में है बिल्कुल है ये तो आपका राइट हो गया क्या हो गया भाई राइट हो गया फिर पूछा है आपसे कि देखिए भाई दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा है कि चौरासी खंभों की छतरी चौरासी खंभों की छतरी आपको बतानी है कहाँ पर है ना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका आंसर होना चाहिए था राइट वो कौन सा होना चाहिए देखिए कुमार पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में मामा बांजा की छतरी धन्ना और भीमा की छतरी तो जोधपुर के अंदर है और ब्राह्मण देवता की छतरी और ब्राह्मण देवता की छतरी भी कहां पर है भाई एक और तीन इनमें काफी लोगों ने सही बताया है लेकिन एक्चुअल में देखें तो एक और तीन सही कैसे होगा चौरासी खंबों की छतरी कोटा में थोड़ी है बूंदी में है यहां पर यह होता था ब्राह्मण देवता की छतरी कहां पर है जोधपुर के अंदर है कहां पर है जोधपुर के अंदर है हालांकि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है ये मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर है जोधपुर शहर के अंदर है ब्राह्मण देवता की छतरी हालांकि ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है डापा चूक वाला सवाल दिया था और शायद ये सवाल आपका वन रक्षक वाला कोर्ट में भी जा सकता था बेणेश्वर मेला कब लगता है इतना अच्छा सवाल पूछा है बेणेश्वर मेला कब लगता है ये आपको बताना है उससे पहले वीडियो को लाइक करना है तो देखिए बेणेश्वर मेला लगता है वो कब लगता है भाई माघ पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर मेले से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कहां पर लगता है तो ये लगता है एक गांव है नया नवा टापरा नवा टापरा किस जिले में है तो एक जिला है जिसका नाम है डूंगरपुर फिर पूछा जाएगा कौन सी नदियों के संगम पर लगता है तो आप कहोगे सर एक सोम है एक माही है और एक जाख में इन तीनों नदियों के संगम पर लगता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये जो बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे तो बेणेश्वर धाम के संस्थापक आपसे पूछे तो आप कहोगे सर संत माओ और संत माओ के बारे में पूछा जाएगा इनके ग्रंथ का क्या नाम था तो इनके ग्रंथ का नाम था चौपड़ा क्या नाम था चौपड़ा था फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म हुआ था शाबला गांव में यानी संत माओज का जन्म शाबला गांव डूंगरपुर में हुआ था फिर आपसे पूछा जाएगा बेणेश्वर धाम की क्या विशेषता है तो विश्व का एकमात्र यहाँ पर शिव मंदिर है जहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है पूजा होती है यानी यहाँ का जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग है और खंडित शिवलिंग की यहाँ पर क्या होती है भाई पूजा होती है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा वही रिलेटेड इसे क्या कहा जाता है भाई आदिवासियों का कुंभ कहते हैं आदिवासियों का, है? का क्या कहते हैं कुंभ कहते हैं और इसको क्या कहते हैं तो और इसको कहते हैं भाई दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कहते हैं दक्षिणी राजस्थान का क्या कहते हैं इसको कुंभ कहते हैं और इसको क्या कहते हैं तो और इसे कहा जाता है भाई इसे कहा जाता है भाई आदिवासियों का क्या कहा जाता है भाई आदिवासियों का क्या कहा जाता है तीर्थ स्थल कहा जाता है आदिवासियों का कौन सा स्थल तीर्थ स्थल कहा जाता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है ये भी आपको क्या रखना है भाई याद रखना है ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं भाई बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना भाई ठीक है भाई अगला सवाल देखिए और अगला सवाल भी आपको अच्छा सवाल मिलेगा यह सवाल है ये वाला जलवायु के बारे में में निम्नलिखित से कथनों को पढ़िए और सही कोड बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती है सवाल पूछा है कि देखिए ये राजस्थान का नक्शा है ऐसे याद करना चाहिए आपको नक्शा तो कम से कम बनाना आना, आना चाहिए तो देखिए पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से क्या पूछा है पश्चिम ये पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं और ये पूछा है दक्षिण दक्षिण से से उत्तर उत्तर की उत्तर की ओर ओर वर्षा की मात्रा घटती है फिर दूसरा पूछा है रेत की अधिकता के कारण दैनिक वा वार्षिक तापांतर में अंतर पाया जाता है बिल्कुल पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच सकता है बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु में पहुंच जाता है बिल्कुल आप लोगों के तीनों ऑप्शन क्या है भाई एग्जैक्ट सही है एग्जैक्ट क्या है सही है ये वो तो आपको याद रखना ही रखना है अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला सवाल पूछा है जयपुर में मेट्रो की व्यवसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जयपुर और जयपुर के अंदर किसकी शुरुआत हुई थी भाई मेट्रो की शुरुआत और जयपुर में मेट्रो की शुरुआत है वो कब हुई थी ये आपको बतानी थी इतना अच्छा और इतना क्या पूछा है बेहतरीन सवाल पूछा है राजस्थान के आप पढ़ते हो यातायात साधन और यातायात साधनों में से सवाल पूछा है बताइए भाई जयपुर मेट्रो और जयपुर मेट्रो की क्या पूछी है सवाल है आपको बताना है बताइए भाई बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना भाई बताइए मेट्रो ट्रेन के बारे में आपसे पूछा है जयपुर मेट्रो जयपुर मेट्रो जिसको क्या कहा जाता है जिसको जे एम आर सी कहते हैं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसके अंदर व्यवसायिक सेवाओं की शुरुआत कौन से वर्ष में होती है 2015 में होती है लेकिन अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा जयपुर मेट्रो के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी जे एम आर सी की स्थापना तो एक जनवरी 2010 को इसकी क्या होती है भाई स्थापना होती है पहली बात तो ये याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ये देश की कौन सी मेट्रो है तो देश की मेट्रो है भाई छट्टी मेट्रो है देश की ये छठी क्या है मेट्रो परियोजना है पूरे भारत की फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा किसकी सहायता से ये जो मेट्रो चल रही है इसके लिए कौन सा सहायता द्या? तो वो था भाई कौन सा बैंक था ये भी आपको याद रखना था तो उसका नाम था भाई एडीबी बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना उसने वित्तीय सहायता दी कहा कि हम रेल में चलाएंगे फिर देखिए इसका जो प्रथम चरण था ना प्रथम चरण कितने किलोमीटर था प्रथम चरण था भाई आपका 12 किलोमीटर और 12 किलोमीटर था आपको ये भी पता होगा और ये सवाल पूछा गया था कहा से लेकर मान सरोवर से लेकर चांद पॉल तक मान सरोवर से लेकर चांद पॉल तक 12 किलोमीटर क्या चली थी भाई रेल चली थी याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में सेकेंड फेज के अंदर कौन सा तो देखिए सेकेंड फेज बी के अंदर ऐसा कहा जाता है चांद पॉल से लेकर बड़ी चौपड़ चांद से लेकर बड़ी चौपड़ तक इसकी क्या हुई भाई दूसरे फेज में इसकी शुरुआत हुई थी ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है सवाल आपसे पूछा जाएगा देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है तो देश का पहला और एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है जो है श्याम नगर जो जयपुर के अंदर है इस पूरे मेट्रो का मेंटेन कौन कर रही है भाई महिलाएं कर रही है कौन कर रही है महिलाओं द्वारा इस मेट्रो का क्या किया जा रहा है भाई मेंटेन किया जा रहा है ये भी आपको याद रखना है भाई सवाल अक्सर ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई पूछ लिए जाते हैं अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला राव बिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी तो पूछा है बीकानेर नगर की स्थापना कब की थी बता दीजिए किसके द्वारा की गई थी बीका के द्वारा इतना अच्छा सवाल पूछा है बता दीजिए अब आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं भाई लाइक करने हैं वीडियो को लाइक करने हैं कमेंट करने हैं बताइए भाई राइट आंसर बताइए बीका ने बीकानेर नगर की स्थापना देखिए बीका ने चौदह में बीकानेर की स्थापना कर दी थी राठौड़ वंश की स्थापना बीकानेर में कर दी थी लेकिन जब भी नगर पूछा जाएगा नगर की स्थापना की थी चौदह में कब की गई थी चौदह के अंदर इसकी क्या की थी स्थापना की थी ये भी आपको याद रखना है किसने की थी बीकानेर की स्थापना बीकानेर की स्थापना किस तिथि को होती है तो वैशाख शुक्ल तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया जिसको कहते हैं अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीय के दिन बीकानेर की क्या होती है स्थापना होती है ये भी आपको याद रखना है भाई करणी माता ने कहा था कि जा बीका थारो जस थारो प्रभाव जोधा सु सवयो रेवेला तो मतलब बीका ने बीका को आशीर्वाद किसने दिया था करणी माता ने बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है बता दीजिए भाई बिलाड़ा तो के अंदर एक लोक देवी है और बिलाड़ा के संबंध किस लोक देवी से है ये आपको बताना है आपके सामने चार ऑप्शन है और बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है भाई बता दीजिए हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी माता है जिनका संबंध क्या है भाई बिलाड़ा से है सन्नी देवड़ा सुरेश खड़वासरा एम आर सोनू करिए भाई हमारा अभी तक अर्ध शतक नहीं लगा है अर्ध शतक लगाना है भाई लाइक के क्या लगाना है शतक लगाना है तो देखिए भाई बिलाड़ा से संबंध है आई माता का आई माता का मूल नाम क्या था आई माता का मूल नाम था जीजाबाई फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी शिष्या थी तो ये शिष्या थी भाई रामदेव जी की किसकी किसकी शिष्या थी इसके गुरु थे रामदेव जी फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा आई माता के बारे में और पूछा जाएगा किसकी कुल देवी है ये तो ये कुल देवी है भाई किसकी अपने राजस्थान के अंदर एक जाति है शीरवी जाति और शिरवी जाति की कुल देवी है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इनके मंदिर के अंदर क्या होता है दीपक होता है और दीपक से क्या टपकती है दीप, दीपक से केसर टपकती है याद रखना केसर टपकती है और यहाँ पर कैसा दीपक जलता है भाई अखंड दीपक जलता है जो कभी भी क्या नहीं होता है खंडित नहीं होता है वो कभी भी क्या नहीं होता है भाई उसको बुझाया नहीं जाता है फिर देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा आई माता से रिलेटेड पूछा जाएगा आई माता के बारे में कि आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं तो मंदिर को कहते हैं भाई दरगाह मंदिर को क्या कहते हैं दरगाह कहते हैं फिर आपसे पूछा जाएगा समाधि को क्या कहा जाता है समाधि को कहा जाता है बडेर क्या कहा जाता है भाई बडेर कहा जाता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुर्जर जो आई पंथी माता आई माता ने कौन सा पंथ चलाया था आई पंथ आई पंथ में कितने नियम होते हैं ग्यारह नियमों का पालन होता है आई पंत में कितने नियमों का पालन होता है ग्यारह नियमों का पालन होता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा आई माता है इन आई माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता कौन थे तो इनके पिता थे बीका डाबी कौन थे बीका डाबी और ये कहाँ के रहने वाले थे गुजरात के रहने वाले थे कहाँ के रहने वाले थे गुजरात के रहने वाले थे ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है भाई क्या रखना है भाई याद रखना है ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं भाई अगला सवाल है और अगला सवाल है भी बेहतरीन सवाल और उस सवाल पे भी आपको क्या देना है ध्यान देना है अब देखिए भाई ये आपका सवाल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कितनी है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसकी जो आपको बतानी है कि भाई अवधि कितनी है इतना अच्छा सवाल पूछा है और आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बेहतरीन सवाल है बताइए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इतना अच्छा सवाल पूछा है भाई बताइए इतना अच्छा सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री वंत जो ये मत्स्य संपदा है इसकी अभी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई दूसरी वर्षगांठ मनाई गई थी कौन सी दूसरी वर्षगांठ मनाई थी और कहते हैं कि इसके अंदर टोटल अड़सठ लाख लोगों को क्या दिया जाएगा अड़सठ लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा इसके अंदर फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर ये जो पैसा लगेगा उसका पैकेज कौन देगा तो आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या दिया जाएगा फंड दिया जाएगा और वो फंड कुल कितना है तो याद रखना है भाई ये पांच वर्ष की अवधि के लिए है कितनी अवधि के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए है और इसके अंदर कहते हैं बीस हजार पचास करोड़ का क्या किया जाएगा बीस हजार पचास करोड़ का क्या किया जाएगा निवेश किया जाएगा यह भी आपको क्या रखना है याद रखना है भाई क्या रखना है याद रखना है मत्स्य संपदा के बारे में अगला सवाल देखिए और अगला सवाल है ये, ये सवाल पूछा है चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक क्या रही थी राजधानी रही इतना अच्छा सवाल पूछा है कि देखिए भाई महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी वो कब बनाई थी पंद्रह में बनाई थी और मृत्यु कब हुई पंद्रह सौ सन्तानवे में तो देखिए भाई पिछचे सी पिच्ची सी पांच और आगे कितने हो गए सात तो लगभग लगभग कितने साल तक रही थी बारह वर्ष तक रही थी कितने वर्ष तक रही थी बारह वर्ष तक रही थी फिर आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि बताइए महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया पंद्रह सौ में बनाया महाराणा प्रताप के समय यहाँ पर कौन सी शैली का प्रभाव हुआ चावंड शैली की शुरुआत होती है और चावंड शैली का जो स्वर्ण काल कभी पूछ ले वो किसका काल था तो वो था भाई अमर सिंह सेकेंड अमर सिंह प्रथम का काल और अमर सिंह प्रथम का काल था वो इस शैली का क्या था स्वर्ण काल था फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसी चावंड शैली से रिलेटेड ये भाई तो चामुंडा माता के मंदिर का क्या करवाया था निर्माण करवाया, करवाया, करवाया था अब देखिए अगला सवाल और अगला सवाल भी अपनी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछ है बताओ मेरे भाई बताओ मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर पहला कौन सा पार्क मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया था तो बता दीजिए राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है उसके बारे में आपको बताना है बता दीजिए इसमें से असंबद्ध बताना है बताइए राजस्थान में प्रथम पूछा है प्रथम कौन सा पार्क मेगा फूड पार्क बताइए राजस्थान का प्रथम मेगा फूड आपको बताना है कि इसका उद्घाटन पर हुआ था यह क्या -क्या आपको बताना है इतना अच्छा सवाल पूछा है और इतना ही बेहतरीन सवाल पूछा है बताइए इसका जो राइट आंसर आपको बताना है बता दीजिए भाई बिल्कुल इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था इसे स्मार्ट मेगा फूड के नाम से भी जाना जाता है और रूपनगढ़ अजमेर में ये क्या है स्थित है यानी ये क्या है भाई डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट क्या हो रहा है सही हो रहा है फिर देखिए अगला सवाल अगला सवाल ये है लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है कितना अच्छा सवाल पूछा है और कौन से पठार का पूछा है भाई लसाड़िया का पठार राजस्थान में कहां पर क्या है भाई स्थित है राजस्थान के प्रमुख पठार पढ़ते हैं और प्रमुख पठारों में आपसे पूछा गया है लसाड़िया का पठार बता दीजिए भाई बेहतरीन सवाल है बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है बता दीजिए भाई तो देखिए भाई लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर है कहाँ पर है उदयपुर के अंदर है आपको पता है जय सम्बन्ध झील है ना उस जय सम झील के पूर्वी भाग में दिखाई देता है यह याद रखना लसाड़िया का पठार के किनारे जय समंद जेल स्थित है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई उड़िया का पठार कहां पर है तो उड़िया पठार पूछे तो आप कहोगे सर सिरोही जिले में किस जिले में है भाई सिरोही जिले में हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आबू का पठार कहाँ पर है आबू का पठार भी कहाँ पर है सिरोही के अंदर है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा भोराट का पठार कहाँ पर है तो भोराट का पठार आपसे पूछा जाएगा तब आप कहोगे सर यह राजसंबंध और राजसंबंध और कौन से गढ़ पर आप कहोगे सर राजसंबंद से लेकर उदयपुर के बीच में स्थित है यानी उदयपुर और राजसमंद के बीच में कौन सा है बोराट का पठार है फिर आपसे पूछा जाएगा मेसा का पटार कहाँ पर है तो मेसा का पटार है भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊपर माल का पठार कहाँ पर है तो ऊपर माल का पटार आप पूछे आपसे तो आप क्या करोगे सर ऊपर माल का पटार भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है और चित्तौड़गढ़ से कहां तक भीलवाड़ा के बीच में स्थित है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई बोमट का पठार कहाँ पर है तो बोमट का पठार देखिए उदयपुर का हिस्सा भी आता है सिरोही का हिस्सा भी आता है और डूंगरपुर का हिस्सा भी आता है और किसका आता है डूंगरपुर का हिस्सा भी आता है यानी तीन जिले इसके अंतर्गत आते हैं फिर आपसे पूछा जाएगा बताओ भाई धीरा जी का पठार कहाँ पर है तो धीराजी का पठार आपसे पूछे की धीरा जी का कहोगे सर चित्तौड़गढ़ के अंदर है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्रास काका पठार कहाँ पर है और क्रास काका पठार है भाई अलवर के अंदर कहाँ पर है अलवर के अंदर है तो ये पठार है कई बार ऐसे सवाल पठारों से रिलेटेड अपनी प्रतियोगिओ में प्रतियोगी परीक्षा में क्या कर दिए जाते हैं भाई पूछ लिए जाते हैं ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है वो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है निम्नलिखित में से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट योजना में शामिल नहीं है तो आपको बताना है कि भाई इसके अंदर तेंदुए के अंदर कौन सा शामिल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि जयसमंद सम्बन्ध है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य रावली टॉर्डगढ़ अभ्यारण रावली का फैलाव अजमेर से उदयपुर तक फैला हुआ है फिर है मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू फिर पूछा है झालाना माता संरक्षण रिजर्व तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है 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 बेहतरीन बेहतरीन सवाल सवाल और तरीके से आपसे पूछा गया सवाल है। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाएगा तेंदुआ अपने राजस्थान के अरावली क्षेत्र में जैसे अरावली में भी कहां पर तो देखिए पाली पाली के अलावा अजमेर अजमेर के अलावा भीलवाड़ा भीलवाड़ा के अलावा जयपुर कहां पर जयपुर जयपुर के अलावा उदयपुर राजसमंद में, मिलेगा, इसके कहां मिलेगा? सिरोही में मिलेगा। तो ये अरावली के वो क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतम अपन क्या देख सकते हैं तेंदुए को देख सकते हैं लेकिन आप तेंदुए को कहा नहीं देखेंगे मनसा माता संरक्षण केंद्र जो झुंझुनू के अंदर है वहां पर आप नहीं देख सकते हैं फिर अगला सवाल देखिए और अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है वो ये है सवाल पूछा है आजम और जाजम प्रिंट का संबंध राजस्थान का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है तो राजस्थान के प्रमुख प्रिंट यानी आपसे क्या पूछा है छपाई से रिलेटेड पूछा भाई क्या पूछा भाई छपाई से रिलेटेड सवाल पूछा है और क्या पूछा है बताइए भाई आजम और जाजम कितना अच्छा सवाल पूछा है और कितना बेहतरीन सवाल पूछा है और इसका आपको क्या देना था आंसर देना था बताइए भाई आजम और क्या पूछा है जाजम पूछा है और आजम और जाजम क्या है? पूछा है आपसे प्रिंट पूछा है बताइए भाई बेहतरीन सवाल है बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है राजस्थान के अंदर जब आप पढ़ते हो हस्तकला कौन सी कला पढ़ते हो भाई हस्तकला पढ़ते हो तो हस्तकला और लोक कला के अंदर ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं भाई पूछ लिए जाते हैं बता दीजिए अब आपको मैंने इंट दे दिया है क्या दे दिया है भाई इंट दे दिया है तो अब आपका आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट और क्या होना चाहिए राइट आंसर होना चाहिए बताइए भाई तो सवाल पूछा है आपसे अजरक प्रिंट का संबंध अजरक सॉरी आजम और जाजम कौन सा पूछा है आजम और जाजम सवाल जब भी ऐसे पूछे जाएंगे आजम और जाजम चित्तौड़गढ़ के अंदर है अब मैं आपको कुछ प्रिंटों के नाम बता रहा हूं उसके बारे में भी आपको क्या रखना है याद रखना है जैसे आपसे पूछा जाएगा एक प्रिंट है जिसका नाम है अजरक क्या नाम है अजरक और एक प्रिंट है जिसका नाम है भाई मलिर Osionfish. जब भी परीक्षा में पूछे अजरक और मल्लीर प्रिंट कहाँ का है आप कहोगे सर बाड़मेर जिले का है कौन से जिले का बाड़मेर जिले का फिर आपसे पूछा जाएगा बगरू प्रिंट कहाँ का है और संगानेरी प्रिंट कहाँ का है तो बगरू और संगानेरी की जब भी बात आएगी आप जाओगे राजस्थान के सीधे जयपुर जिले में फिर आपसे पूछा जाएगा ये बोडल प्रिंट कहाँ का है कौन सा बोडल प्रिंट कहाँ का है तो बोडल प्रिंट है अपने भीलवाड़ा जिले का भीलवाड़ा जिले का है अब देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा जैसे यहाँ पर पूछा गया था यह मल्लीर प्रिंट होता है इस मल्लीर प्रिंट में कैसा रंग होता है तो इसके अंदर एक तो काला होता है और एक कौन सा होता है कथई रंग होता है कौन सा होता है भाई काला और कथई होता है तो फिर पूछा जाएगा अजरक में क्या होता है तो अजरक के अंदर होता है नीला कौन होता है भाई नीला और नीले के साल कौन सा रंग होता है लाल रंग होता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है तो दाबू प्रिंट आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है ये प्रिंट अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये इतना अच्छा सवाल पूछा है। कौन सा सुमेलित नहीं है बेहतरीन सवाल है अगर आपको नक्शा बनाना आता है तो आप क्या कर सकते हो इस तरह से नक्शा बनाकर सीख सकते हो और कितना अच्छा सवाल पूछा है तो देखिए बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आता है ये वाला बेल्ट आता है यू ठीक है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू के अंतर्गत आता है फिर पूछा है बी एस एच डब्ल्यू ये जो बेल्ट आता है बी एस एच डब्ल्यू में आता है बी एस एच डब्ल्यू के अंदर आता है अब ये जो बी एस एच डब्ल्यू के अंदर ये क्षेत्र आ रहा है आ, इतना आ रहा है देखिए मैं आपको ये का, का फिर सी डब्ल्यू जी तो ये वाला जो क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान का ये आता है सी डब्ल्यू जी में यहाँ से यहाँ तक बाकी का आता किस में है ए डब्लू में आता है ए तो डब्लू के अंदर अपने ये सिक्कर चुरू नहीं आते हैं सिक्कर चुरू बी एस एच डब्ल्यू में आते हैं ए डब्ल्यू के अंदर अपने हाड़ोती क्षेत्र के चार जिले और तीन जिले डब्ल्यू में राजस्थान के कितने साम, जिले शामिल है वो सात जिले हैं और वो भी कौन से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले शामिल है ये आपको याद रखना था भाई अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है अपनी स्क्रीन पर वो ये है राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं इतना अच्छा सवाल पूछा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी सीटें पूछी है विधानसभा की सीटें पूछिए और किस जिले में बता दीजिए भाई वैसे राजस्थान के अंदर टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है भाई वो है 200 लेकिन 1969 में राजस्थान के अंदर इससे पहले कितनी सीटें थी 160 सीटें थी लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके 200 सीटें कर दी थी और राजस्थान के अंदर आपको पता है इन दो सीटों के हिसाब से तीस प्रतिशत यानी पंद्रह प्रतिशत क्या बन सकते हैं भाई तीस प्रतिशत क्या बन सकते हैं मुख्यमंत्री अपने मंत्री बन सकते हैं तो याद रखना कि राजस्थान में मंत्री कितने बन सकते हैं तीस व्यक्ति क्या बन सकते हैं मंत्री बन सकते हैं तो अब आपको इसका आंसर देना है सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें किस जिले की है बिल्कुल जयपुर जिले की है जयपुर जिले की होनी है भाई जयपुर जिले की जनसंख्या भी छियासठ लाख है कितनी है छियासठ लाख है राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसकी जनसंख्या पचास लाख प्लस है <laughs> अगला सवाल देखिए चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है बेहतरीन सवाल पूछा है और कौन सा मंदिर पूछा है चार चौमा का मंदिर पूछा है कौन सा पूछा है चार चौमा का मंदिर पूछा है और राजस्थान के किस जिले में स्थित है यह सवाल पूछा है बेहतरीन बेहतरीन सवाल का तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है बता दीजिए भाई चार चौमा का आपसे क्या पूछा है मंदिर पूछा है बताइए भाई राजस्थान के अंदर चार चौमा का मंदिर कहां पर है किस जिले में स्थित है अगर आपको ये याद है तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हो बता दीजिए भाई बेहतरीन सवाल है और इतना ही अच्छा सवाल है चार चौमा का मंदिर आपसे पूछा है बताइए बूंदी झालावाड़ बारा कोटा और पूछा किसका है चार चौमा का मंदिर पूछा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेहतरीन आंसर आ रहे हैं भाई आपके आपके आंसर आए सर बारह जिले में ज्यादातर आंसर किसके आए भाई बारह जिले के अंदर आए और कौन से मंदिर के बारे में चार चौमा मंदिर के बारे में आ रहे हैं और कौन से आंसर आ रहे हैं भाई झालावाड जिले के आंसर आ रहे हैं किस जिले के आ रहे हैं झालावाड़ जिले के आंसर आ रहे हैं मतलब चार चौमा मंदिर के वो लेकर आपके आओ भाई डापा चुक वाली स्थिति में हो बता दीजिए भाई राइट और सटेगा आंसर क्या आ रहा है पता है भाई चार चौमा का मंदिर पूछा है कोटा जिले में है बारह जिले में है बूंदी जिले में है किस जिले में अच्छा वेरी गुड वेरी गुड भाई एक बार आपके एग्जैक्ट आंसर से आएंगे तो फिर अगला सवाल देखेंगे और अगले सवाल पर बढ़ेंगे तो बता दीजिए भाई चार चौमा का मंदिर आपसे पूछा है किस जिले के अंदर है बताइए तो बता दूं मैं आपको चार चौमा का मंदिर है कोटा जिले के अंदर किस काल का है तो यह गुप्त कालीन मंदिर है कहाँ पर है गुप्त कालीन मंदिर है यानी गुप्त काल का मंदिर कोटा जिले में मिला है और चार चौमा गाँव में मिला है ठीक है भाई और अगला सवाल है ये और ये सवाल पूछा है कि आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा प्रथम की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी तो आमेर के शासक थे जिनका नाम था जय सिंह और जय सिंह को उपाधि दी गई थी किसकी मिर्जा की उपाधि दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी बता दीजिए भाई बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना है बता दीजिए जय सिंह प्रथम जिनका शासनकाल 1621 से 1667 तक था 1621 से लेकर 1667 था तो आपने अगर कल्पना की है तो बता दीजिए भाई इनको किसने उपाधि दी थी बता दीजिए बेहतरीन सवाल है और जब ये ग्यारह वर्ष के होते ना ग्यारह वर्ष की आयु में राजा बनते हैं ग्यारह वर्ष की आयु में शासक बने थे ये अब बता दीजिए इनको किस किसने उपाधि दी थी अभी भी आपके पकड़ में नहीं आ रहा है तो मैं और भी बता दूं आपको कहते हैं कि जब ये शासक बने थे तो शासक बनने के बाद इनको सबसे पहले अहमदनगर अभियान में भेजा गया था अब बताइए किसने भेजा था इनको अहमदनगर अभियान में वेरी गुड भेजने वाला व्यक्ति कौन था भाई वेरी गुड शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां ने इनको कौन सी उपाधि दी थी भाई तो याद रखना है भाई इन्होंने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने कहते हैं कि 1665 सो के अंदर दो शासकों की ज़्यादातर सेवा की थी एक तो शाहजहां और शाहजहां के बाद में कौन सा सिंह कौन भाई औरंगजेब इन दोनों के ये क्या रहे थे भाई सेवक रहे थे ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है। इन दोनों की इन्होंने सेवा की थी बाकी सोलह की जो संधि होती है धर्मत का युद्ध होता है और बाकी बाद में इनको दक्षिण अभियान में भी भेजा जाता है औरंगजेब के सबसे विश्वास पात्र थे ये ये भी आपको याद रखना है अगला सवाल है ये वाला सवाल पूछा है कि अधोलिखित युद्धों का सही काल अनुक्रम बताना है तो काल अनुक्रम देखिए आपको बताना है तराइन का पहला युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे में, में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध पंद्रह छिहत्तर में हुआ दिवेर का युद्ध पंद्रह बयासी में हुआ गिरी सुमेल का युद्ध पंद्रह चौवालीस के अंदर हुआ था अब इसका राइट आंसर बताना है कि काल क्रम के अनुसार बताना है तो पहला युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे में तो पहला युद्ध एक सौ ग्यारह इक्यानवे में, में इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है दूसरा युद्ध देखिए 1544 में तो चार नंबर मतलब पहला युद्ध उसके बाद पंद्रह सौ 1544, सौ और पंद्रह ये आपका क्या था भाई सही आंसर था और अगला सवाल है ये वाला पूछा है राजस्थान के एस डी एस डी जी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एस डी जी रिपोर्ट और एस डी जी रिपोर्ट कौन बनाता है ये आपको बताना है बता दीजिए भाई सवाल ऐसे अक्सर परीक्षा में पूछ लेते हैं और आपको उसका क्या बताना होता है आंसर बताना है है बता दीजिए भाई क्या पूछा है एस रिपोर्ट और एस रिपोर्ट कौन बनाता है भाई बता दीजिए एस रिपोर्ट कौन बनाता है भाई अब बता दीजिए भाई एस रिपोर्ट वेरी गुड बेहतरीन सवाल है तो ये देखिए भाई कौन बनाता है भाई ये एस रिपोर्ट कौन बनाता है यह बनाता है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय निदेश बनाता है भाई एस रिपोर्ट याद रखना है आपको ठीक है भाई अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला और ये सवाल आपसे पूछा है कि बताओ भाई सवाल दे रखा है और एक तरफ ऑप्शन दे रखा है तो मैं आपको बता दू की जसवंतड़ा तो अपने जोधपुर जिले के अंदर है लालगढ़ महल बीकानेर के अंदर है फूल सागर कहाँ पर है भाई फूल सागर बूंदी के अंदर है जगदीश मंदिर उदयपुर में है जिसको सपनों का क्या कहा जाता है मंदिर कहा जाता है अब देखिए एक में ए में तीन किस किस के अंदर आ रहे हैं ए में तीन इसमें आए और ए में तीन इसमें आए फिर देखिए बी में चार किस में आए बी में चार इसमें आए मतलब आपका सी ऑप्शन क्या हो रहा है सही हो रहा है आगे देखते हैं अगले सवाल को और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है और अगला सवाल है ये वाला निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सुमेलित नहीं है आपको बताना है जोधपुरा साबी नदी के किनारे बिल्कुल है भाई बालातल उदयपुर ओजियाना खारी ओजियाना खारी नहीं है भाई ओजियाना एक नदी है जिसका नाम है कोठारी नदी कोठारी नदी के किनारे है बाला किस नदी के सॉरी बालातल पूछा है सॉरी बालातल पूछा है बालातल उदयपुर में है और ये मैच नहीं हो रहा है तो कांतली नदी तो कहां से निकलती है भाई खंडेला सिक्कर से निकलती है और कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है तो कांतली नदी के किसी किनारे तो गणेश्वर सभ्यता है तो फिर बताइए भाई सवाल पूछा जाएगा ओजियाना ओजियाना उदयपुर के अंदर है या भीलवाड़ा के अंदर है ये आपको बताना है और ये क्या हो रहा है भाई मिस मैच हो रहा है अब देखिए अगले सवाल को और अगला सवाल है ये और ये सवाल आपसे कह रहा है <coughs> बताओ ग्राम सभा का कार्य नहीं है तो ग्राम सभा का कार्य है भाई देखिए जनगणना का कार्य है जल योजना का कार्य का है जनजाति कल्याण का कार्य है या ग्रामीण जल स्वास्थ्य देखिए गांव वालों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा और गांव में जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी जनजाति कल्याण से संबंधित योजनाओं का संचालन करना पड़ेगा लेकिन ग्राम सभा का पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है उल्टा गांव वाले तो क्या करते हैं भाई गांव वाले कहते हैं हम दो और हमारे हम कितने हैं दो है और हम दोनों के कितने भाई अनगिनत है क्या है भाई अनगिनत है हाँ ध्यान रखना ये अपने क्या है भाई थ्योरी अपनाई जाती है हम दो है हमारे कितने हो गए नो हम नहीं जानते हैं ये तो बाद में पता चलेगा कहाँ फुल स्टॉप लगता है अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये सवाल पूछा है सवाल पूछा है मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हुआ था गजब सवाल पूछा भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किसका जन्म हुआ था बता दीजिए भाई पायलट जीवराज दादू नितिका शर्मा अंजू सिसोदिया अशोक कुमार मनीषा सैनी सुरजीत रमेश पटेल पायलट मीणा टीटू वर्मा बताए भाई इनका जन्म हुआ था वसुंधरा राजे का राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री प्रथम कैसी महिला मा... सीएम है और राजस्थान में कितनी बार ये मुख्यमंत्री रह चुकी है दो बार राजस्थान की क्या रह चुकी है भाई सीएम रह चुकी है महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है और इनका जन्म कब हुआ था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मार्च को मनाया जाता है कितने मार्च को मनाया जाता है आठ मार्च को मनाया जाता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है अब आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करोगे लाइक करोगे और अगला सवाल है ये वाला पूछा गया है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर देना है महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा में भाग लेने का अधिकार है बिल्कुल है उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार नहीं है याद रखना महाधिवक्ता राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अंदर भाग ले सकता है लेकिन उसके अंदर वो क्या नहीं दे सकता है वोट नहीं दे सकता है मतलब केवल एक क्या है भाई सही है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना भाई अगला सवाल है और अगला सवाल है ये वाला पटेलिया लल्लर, मुमल, बिचियो, ये सब क्या है पटेलियो लल्लर, मुमल मुम्मल और बिचियो, ये सब अपने राजस्थान की क्या भाई लोक नाट्य है लोक गीत है लोक वाद्य है या आभूषण है पता बता दीजिए पायलट मीणा अशोक कुमार मनीषा सैनी पायलट मीणा बता दीजिए भाई मनीष सैनी आलनिया कंचन नेगी इसका राइट आंसर है देखिए पटेलिया देखिए पटेलिया लालर और मुम्मल ये बिछियो ये हमारे राजस्थान के अंदर क्या भाई एक लोक गीत है क्या है भाई लोक गीत है लालर हो गया मुम्मल हो गया और पटेलिया हो गया मुम्मल गीत है बिछियो गीत है और ये गीत कैसे भाई श्रृंगार गीत है कैसे गीत है श्रृंगार वाले गीत है याद रखना है अब देखिए अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला राज द्वारा रचित क्या है? राज ने क्या लिखा था भाई हरि नाटक लिखा था विग्रहराज चतुर्थ का कहा के राजा थे तो अजमेर के शासक थे और इनके काल को अजमेर के चौहानों का कौन सा काल कहलाता है स्वर्ण काल कहलाता है फिर आपसे पूछा जाएगा अजमेर का चौहानों का सर्वाधिक राज्य विस्तार चौहानों का सर्वाधिक राज्य विस्तार होता है वो किसके समय होता है तो वो इन्हीं के समय होता है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा विग्रह राज के एक दरबारी थे जिनका नाम था कौन सा भाई तो इनके दरबारी थे जिनका नाम था भाई ललित विग्रहराज लिखने वाले सोमदेव और सोमदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी ललित विग्रहराज लिखी थी इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि ये जो विग्रहराज चतुर्थ है इनको एक उपाधि दी गई है वो है कवि बांधव और इनको कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी तो ये दी थी भाई जया नक ने जया नक ने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय उसमें इनको कवि बांधव या कटी बांधव कहा था इसके अलावा आपको पता होगा कि इन्होंने इन्होंने एक अपने दरबारी यानी अपने विद्वान अपने दरबारी विद्वान के कहने पर किस पर रोक लगा दी थी पशु वध पर रोक लगाई थी कब एकादशी के दिन किस पर एकादशी के दिन इन्होंने कहा कि हम क्या नहीं होने देंगे पशु वध नहीं होने देंगे तो पशु वध पर भी इन्होंने क्या लगाई रोक लगाई थी फिर आपको ये भी पता होगा कि विग्रह राज जो चतुर्थ थे कौन से चतुर्थ विग्रहराज चतुर्थ थे विग्रह राज चतुर्थ ने अमरे अजमेर में कौन सी पाठशाला बनवाई संस्कृत पाठशाला बनाई थी कौन सी पाठशाला संस्कृत पाठशाला बनाई थी ये भी आपको याद रखना है भाई ये भी आपको क्या रखना है भाई याद रखना है अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला और ये सवाल आपसे पूछ रहा है बताओ मेरे भाई सवाल पूछ रहा है कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है तो पंजाब शाह का उर्स आपसे पूछा है कहां पर मनाया जाता है और इसका आपको सटीक क्या देना है आंसर देना है दे दीजिए भाई इतना अच्छा और इतना बेहतरीन क्या पूछा है आपसे सवाल पूछा है बताइए भाई इतना अच्छा आपसे क्या पूछा है सवाल पूछा है बता दीजिए भाई तो सवाल क्या पूछा है उर्स पूछा है उर्स का मतलब क्या होता है भाई मेला होता है क्या होता है मेला होता है तो बता दीजिए भाई उर्स कहा पर लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ यह अपने किस जिले में लगता है अजमेर जिले में अजमेर के अंदर कहते हैं कि पृथ्वीराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी लेकिन बाद में कहते हैं कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ आता है इस संस्कृत पाठशाला को क्या करता है तुड़वा देता है और इसी पत्थरों से एक उसी जगह पर क्या बना देता है भाई ढाई दिन का झोंपड़ा बनाता है कौन सा झोंपड़ा बनाता है ढाई दिन का झोंपड़ा बनाता है और यहाँ पर ढाई दिन के झोंपड़े में किसका उर्स लगता है भाई पंजाब शाह का उर्स लगता है किसका उर्स लगता है पंजाब शाह का उर्स लगता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है और वीडियो को बराबर क्या करना है भाई लाइक करते रहना है ये भी देखिए अगला सवाल और अगला सवाल आपसे पूछा गया है सवाल पूछा है ये वाला कितना अच्छा सवाल पूछा है कहावत के लिए का काल से संबंधित है कि तुझो, तीजो कुरियो वो काल इसमें कुरियो का क्या अर्थ होता है बता दीजिए भाई तो तीजो कुरियो आठ वो काल इसमें इसका कुरियो का अर्थ क्या होता है इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है राजस्थान में अकाल से संबंधित आपसे क्या पूछा है सवाल पूछा है और आपको बताना है कि सर इसका एग्जैक्ट राइट आंसर क्या हो रहा है तीजो कुरियो और चौथों क्या पूछा है तो कुरियो का अर्थ पूछा है बताए भाई सवाल अपने पूछा जाता है तीजो कुरियो आटो काल कुरिये का मतलब क्या होता है भाई कुरिये का मतलब होता है कुरिया कहते ना अपने छोटे बच्चे को कुरिया नाट छोटा टाबर है मारो कुरियो कुरिया किसको कहते हैं कुरिया कहते हैं नैने नैने टिंगर को छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है आपके छोटे बच्चे होंगे ना तो उनको आप कहोगे कुरिया अटिया भाई तो ये कुरिया किसे कहा जाता है अर्ध अकाल आधा अकाल पड़ता है उसको कहा जाता है अब देखिए आपको याद रखना है कि हमारे राजस्थान के अंदर अकाल से रिलेटेड बात यह पूछी जाती है एक काल होता है त्रिकाल त्रिकाल का मतलब क्या होता है भाई तीन काल एक साथ जिसके अंदर तीन चीजों की क्या आती है कमी आती है एक तो अन्न की कमी आ जाएगी एक जल की कमी आ जाएगी और किसकी कमी आ जाएगी भाई तो देखिए अन्न और जल और किसका भाई तीनों का क्या हो जाएगा अभाव हो जाएगा पशुओं का तो ये याद रखना है एक होता है अपने यहाँ पर देखिए कहा जाता है एक प्रसिद्ध दुआ है कि पग पुंगल धड़ धर्क, धड़कोटे अदगज भी पूछा जाता है पग पुंगल क्या कहा जाता है कि पग पुंगल धड़ोटे बाहू बाड़मेर जाये लादे जोधपुर ठावे जैसलमेर तो ये क्या पूछा जाता है राजस्थान के छह जिले और छह जिलों में क्या है वी? अकाल के बारे में पूछा जाता है तो आपसे सुबह सवाल ये पूछा जाएगा कि सुखा संभावित कार्यक्रम सब कब शुरू किया गया था जहाँ पर सूखा पड़ जाता है और सूखा संभावित कार्यक्रम जब अकाल पड़ जाता है तब शुरू किया गया था जिसको डीपीएपी कहा जाता है और डीपीएपी कार्यक्रम शुरुआत कब हुई उन्नीस सौ चौहत्तर पिचहत्तर के अंदर हुई थी ये किससे संबंधित है अकाल से संबंधित है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा मरु विकास कार्यक्रम और वरु विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई तो आप कहोगे सर इसकी हुई थी 1977 में और 1978 के अंदर इसकी क्या होती है स्थापना होती है 1977 सौ के अंदर होती है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है भाई 1977 सौ में उससे सवाल आपसे पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है आपदा प्रबंधन परिधिकरण इसकी स्थापना कब होती है 1900 सॉरी 2008 के अंदर होती है अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल भी बेहतरीन सवाल है सवाल ये है कि सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं तो सांसी जनजाति है अपने राजस्थान में और सांसी जनजाति अपने राजस्थान में किस जिले में क्या करती है निवास करती है इतना अच्छा और इतना प्यारा सवाल पूछा है कि इसका तो आपको क्या देना पड़ेगा आंसर देना ही पड़ेगा बता दीजिए राजस्थान की प्रमुख जनजातियां अपन है पढ़ते हैं तो जनजातियों के अंदर आता है बता दीजिए भाई राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर बेहतरीन सवाल है भाई और ऐसे सवाल अक्सर परी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई पूछ लिए जाते हैं बता दीजिए राजस्थान में कौन सी जनजाति सांसी जनजाति इतना अच्छा सवाल पूछा है और इसका क्या बताना है आपको आंसर बताना है तो देखिए सांसी जनजाति राजस्थान के किस जिले में भरतपुर जिले में सांसी जनजाति ये कहती है कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है भाई सासमल व्यक्ति के नाम से हुई है तो सांस मल से ये अपने क्या बताते हैं उत्पत्ति बताते हैं दो बातें और मैं बता दूं आपको सांसी जनजाति के बारे में सांसी जनजाति में एक रस्म होती है कुकड़ी की रस्म इस कुकड़ी की रस्म में कहते हैं कि कोई भी महिला होती है इस जनजाति के अंदर जिसकी शादी होती है शादी से पहले उनको अपने पवित्रता की क्या देनी पड़ती है भाई शपथ लेनी पड़ती है यानी पवित्रता बतानी पड़ती है भाई मैं एकदम से क्या हूँ सती सावित्री हूँ तो कुकड़ी की रस्म का संबंध भी किससे है सासी जनजाति में और कहते हैं कि सासी जनजाति में जब झगड़ा हो जाता है और झगड़ा हो जाता है और इनके अंदर जब बात आपस में नहीं बैठती है तो इसका जो फैसला होता है वो अपना पंच मानते हैं और पंच बुलाकर जो फैसला करवाते हैं वो किसको बुलाते हैं भाई हरिजन और हरिजन नामक व्यक्ति को बुलाकर वो क्या करते हैं भाई अपना पंच बनाते हैं और उसके फैसले को लास्ट फैसला मानते हैं और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि देखिए सासी जनजाति ऐसा कहा जाता है कि ये राजस्थान के अंदर इसकी दो क्या पाई जाती है ब्रांच पाई जाती है एक है बीजा और एक है माला ये इसकी क्या है दो शाखाएं हैं ये भी आपको याद रखना सासी जनजाति की एक है बीजा और एक क्या है माला है ये किस में आती है तो ये शेड्यूल कास्ट यानी ऐसी कैटेगरी के अंदर आती है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है और कहते हैं कि सासी जनजाति के लोग होते हैं ये लोमड़ी का मांस इनको पसंद होता है किसका मांस लोमड़ी का मांस खाने में इनको क्या आता है मज़ा आता है तो लोमड़ी के मांस खाते हैं और इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये <coughs> हरिजन जाति के व्यक्ति को क्या मानते हैं श्रेष्ठ मानते हैं ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है आगे देखते हैं अगले सवाल को और अगले सवाल को देखने से पहले आपको वीडियो को क्या करना पड़ेगा लाइक करना पड़ेगा भाई गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है तो इनमें से कौन सी नस्ल है मालानी कहलाती है ये आपको बतानी है तो देखिए भाई मालानी नस्ल है ये अपने थार पार की जो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं वहां पर यह पाई जाती है बाड़मेर जिले के अंदर ये भी याद रखना है मालानी क्षेत्र है गिर कहां पर पाई जाती है तो गिर अपने गुजरात के साथ जो सीमा लगती है वहां पर यह पाई जाती है कांकरेज पाई जाती है अजमेर में पाई जाती है राठी कहाँ पर पाई जाती है बीकानेर गंगानगर और जैसलमेर के जो सीमावर्ती गांव है जो सॉरी इनकी जो सीमा लगती है वहां पर पाई जाती है और याद रखना गिर कहाँ पर गुजरात के सीमावर्ती राज्यों में गिर पाई जाती है गिर मूल रूप से गुजरात की नस्ल है ठीक है अगला सवाल है और अगला सवाल है ये और अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि चित्रकला निसार दिन दिन तो निशार दिन और साहिब दिन का संबंध किस शैली से था निशार दिन और साहिब दिन का संबंध आपको बताना था ये किससे था बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना था आंसर देना था बता दीजिए भाई बेहतरीन सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर देना था गोपाल पटेल ने आंसर बता दिया है भाई इसके अलावा शिवाय ने बता दिया पृथ्वीराज ने बता दिया जीवराज दा जोश माटी बता दीजिए भाई गिर को अजमेरा अरे अजमेरा या रेंडा बिल्कुल अजमेरा रेंडा तो इसका राइट आंसर बताना है कि चित्रकला की एक शैली थी जिसका संबंध आपके इनसे था ये अपने थे निशार दिन कौन थे भाई मेवाड़ शैली से थे किस शैली से मेवाड़ शैली से थे अगला सवाल देखिए और अगला सवाल ये पूछा है कि लूणी नदी के किनारे स्थित बागोर के किनारे स्थित बागोर से पशुपालन सभ्यता के अवशेष मिले हैं पहली बात तो लूणी नदी के किनारे बागोर सभ्यता है आहार सभ्यता का संबंध नव पाषाण काल से है काली बंगा में दुर्ग तथा निचले स्तर दोनों निर्मित थे तो इसका आपको बताना है कि आहार सभ्यता का नव पाषाण काल से संबंध नहीं था इसका संबंध था ताम्र पाषाण काल से और याद रखना है काली बंगा वाला आपका क्या बह रहा है सही और सटीक आंसर क्या मिल रहा है ये आपको याद रखना है भाई फिर देखिए अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये सवाल पूछा है इनमें से एक दूसरे को मिलान करना है और आपको बताना है कि सिद्धमुख परियोजना नर्मदा परियोजना जवाई परियोजना और जाखम परियोजना तो देखिए सिद्धमुख परियोजना पूछी है तो हनुमानगढ़ और चूरू तो अब इसको मिलाने के लिए ए में चार किस में आ रहे हैं ए में चार इसमें आ रहे हैं नर्मदा परियोजना जालोर बाड़मेर जवाई परियोजना पाली जाखम बांध प्रतापगढ़ तो आप लोग जिन्होंने भी ऑप्शन क्या ये? है सी ऑप्शन उनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा फिर पूछा है लाल नाथ जी लाल नाथ जी का संबंध किस संप्रदाय से था तो आपको बताना है लाल नाथ जी का संप्रदाय संबंध था वो किस संप्रदाय से था विष्णवी संप्रदाय जसनाथी संप्रदाय या नवल संप्रदाय तो देखिए भाई ये थे गुदड़ संप्रदाय से संबंधित किस संप्रदाय से थे गुदड़ संप्रदाय से संबंधित संप्र थे और अगला सवाल है ये सवाल पूछा है खुंगाली शरीर के किस भाग का आभूषण है इतना अच्छा सवाल पूछा है कुंगालीर हंसलीर ये सब से आत, ये, कौन से अंग के आभूषण है कुंगाली कौन से शरीर के कौन से भाग का आभूषण है राइट आंसर बताना भाई जीवराज धादू अशोक परमार अशोक कुमार शोभा राजपुरोहित अंतिमा जारवाल अंतिमा जारवाल मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इन सारी की सारी जो आपको पीडीएफ मिलेगी ये जो पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ हमारे जो तक्षशिला का जो आपका ऐप है उस ऐप के अंदर मिलेगी और जो ऐप अपने जो आपका बार बार दिखाई दे रहा है उस ऐप को डाउनलोड करिएगा वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा क्या मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा तो ये याद रखना भाई ये कहाँ गए हंसली हो गई खुंगाली हो गई हमेल हो गया चंपा कली हो गई जो हार हो गया ये चैन हो गई जंजीर हो गई या फिर ये क्या बोलते हैं इसको मंगल सूत्र हो गया ये सारे के सारे कहाँ के भाई गले के आभूषण है कहाँ के गले के आभूषण है अगला सवाल है ये वाला और सवाल पूछा है आगी बाण के संस्थापक कंपादक कौन थे आगी बाण आगी बाण के अलावा पीप कौन सा पीप और इसके अलावा भी इन्होंने समाचार पत्र चलाए थे जिनमें से एक पुस्तक दी पोपा बायरी पॉल पोपा बायरी पॉल और ये सब लिखने वाले कौन थे भाई पोपा बायरी पॉल ये थे जय नारायण व्यास जय नारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री है जो मनोनीत भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं निर्वाचित भी रह चुके हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनको शिवाना दुर्ग में क्या किया गया था शिवाना दुर्ग में इनको कैद किया गया था इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है धुन का धनी कहा जाता है धुन का क्या कहा जाता है धनी कहा जाता है लक्कड़ व फक्कड़ कहा जाता है लक्कड़ व क्या कहा जाता है फक्कड़ कहा जाता है किसको कहा जाता है तो जय नारायण व्यास को कहा जाता है ये भी आपको क्या रखना है ये याद रखना भाई इनका संबंध किस जिले से था इनका संबंध जोधपुर जिले से अर्थात कौन सी रियासत से था मारवाड़ रियासत से था यह भी याद रखना है और आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है ये वाला सवाल आपसे पूछ रहा है बताओ भाई कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था तो मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टॉड ने जिस युद्ध को कहा था उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध कब होता है पंद्रह में होता है पंद्रह में जो दिवेर का युद्ध हुआ था इसको इन्होंने मेवाड़ का क्या कहा था मेवाड़ का मैराथन कहा था कुंभलगढ़ का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध ये सब जो युद्ध हुए थे ये किन किन के बीच में हुए थे तो माँ प्रताप किस, -किस के बीच में हुए थे प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में हुए थे किसके <laughs> बीच में <laughs> अकबर के बीच में अगला सवाल देखते हैं <laughs> सवाल पूछा है सूदर्शनगढ़ तो किस किले के नाम से जाना जाता है सूदर्शनगढ़ किस किले को जाना जाता है भाई तारागढ़ जयगढ़ जालौरगढ़ गुड जालोर दुर्ग या नाहरगढ़ बता दीजिए भाई इतना अच्छा सवाल है और इतना बेहतरीन तरीके से आपको क्या देना है आंसर देना दीजिए भाई पायलट मीणा संगीता जांगीर पवन मेरा अंतिमा जारवाल पृथ्वीराज सियाराम यादव अंजू सिसोदिया शंभुलाल अंतिमा धर्मा भाटी धर्म भाई झारवाल धर्मा भाटी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है भाई युवराज दिवाई शोभा राज अशोक मोलिया अरे भाई वेरी गुड तो किस दुर्ग 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 को नाहरगढ़ नाहरगढ़ और का निर्माण चौतीस में सवाई जय सिंह ने करवाया था क्यों करवाया था सवाई जय सिंह ने तो इसका निर्माण किससे बचने के लिए मराठों से बचने के लिए मराठों के आक्रमण और मराठा आक्रमण से बचने के लिए इन्होंने इसका क्या करवाया था निर्माण करवाया था इसके अंदर एक पार्क है जिसका नाम है स्कल्पचर पार्क और स्कल्पचर पार्क में पत्थर की क्या बनी है मूर्तियां बनी है भाई फिर देखिए इसके बारे में एक जैसे कैसे महल है एक जैसे नौ महल है और एक जैसे नौ महल है इन महलों का निर्माण किसने करवाया था तो इस महलों का निर्माण करवाने वाले थे माधो सिंह सेकेंड माधो सिंह सेकेंड के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि इनकी कितनी प्रेमिकाएं थी नौ प्रेमिकाएं थी और नौ प्रेमिकाओं को एक जैसे उन्होंने राजी रखने के लिए जिस महल का निर्माण करवाया था एक जैसे महलों का जिसको माधवेंद्र भवन भी कहा जाता है क्या कहा जाता है माधवेंद्र भवन भी कहा जाता है ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पर किसकी छतरी बनी हुई है इस दुर्ग में तो इसमें नाहर सिंह भोमिया की क्या बनी हुई है छतरी बनी हुई है भाई नौमिया की क्या बनी हुई है छतरी बनी हुई है इसको क्या कहा जाता है भाई तो इसके लिए का निर्माण मराठों से बचने के लिए भी करवाया गया था अगला सवाल पूछा है और अगला सवाल ये पूछा है दो हजार के अनुसार जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में जीरो से छ वर्ष की आयु का लिंगानुपात सबसे कम था भाई बताइए भाई तो निम्नतम लिंगानुपात पूछा है जीरो से छ वर्ष ये जो बच्चा पैदा होता है ना टाबर टिंगर होता है इन टाबर टिंगरों का लिंगानुपात पूछा है मांसवाड़ा प्रतापगढ़ झुंझुनू और डूंगरपुर गजब सवाल पूछा है बता दीजिए भाई संजय तरड अर्जुन परियार रीट का दीवाना रहस्य सुरंग बिल्कुल नाहरगढ़ संजय तरड़ शिवाय अंजू सिसोदिया अंतिमा जारवाल रीट का दीवाना बता दीजिए भाई शिवायन अशोक कुमार बेहतरीन सवाल है बेहतरीन तरीके से आपको आंसर देना है बिल्कुल राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू जिला और झुंझुनू जिले का क्या है भाई सबसे कम कैसा लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात है कैसा लिंगानुपात बाल लिंगानुपात सबसे कम किसका है तो आप कहोगे सर झुंझुनू जिले का है अगला सवाल पूछा है बिलों के संदर्भ में फेंटा क्या है तो देखिए फेंटा बिलों का क्या होता है भाई ये आपको बताना है पुरुषों का एक प्रकार का आभूषण ओढ़ने का मोटा लबादा एक प्रकार का बालकों का वस्त्र या फिर एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है सिर को बांधा जाता है फेंटा जिसको ये लोग पेंचा कहते हैं और कहते हैं। कहते हैं। कहते हैं। क्या कहते हैं पोतिया कहते हैं क्या कहते हैं पोतिया कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं आमतौर पर सापा कहते हैं क्या कहते हैं सापा कहते हैं जो एक प्रकार का सिर पर बांधा जाने वाला क्या है भाई वस्त्र है और अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल आपके सामने है वो ये सवाल है भाई ये सवाल पूछा है महाराणा कुंभा महाराणा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है तो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालने वाला है भाई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखा था किसने कुंभा ने लिखवाया था फिर देखा जाएगा कि इसको लेखक कौन था इसका लेखक कौन था भाई तो इसका लेखक था भाई आपसे पूछा जाएगा कि इसका लेखक कौन था तो इसका लेखक था आपसे पूछा जाएगा वो था कवि अत्री कवि अत्री ने इसको लिखा और पूरा किसने किया था कवि महेश ने किया था किसने किया था कवि महेश ने किया था किस भाषा में लिखा गया है मेवाड़ी भाषा में लिखा गया है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को क्या कहा गया है भाई हमीर को कहा गया है विषम घाटी का पंचानन विषम घाटी का क्या कहा गया है पंचानन कहा गया है ये भी आपको याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा फिर आपसे क्या पूछा जाएगा सवाल पूछा जाएगा इसी से रिलेटेड और पूछा जाएगा कि हमारे जो कुंभाजी थे कौन थे भाई हमारे राजस्थान के अंदर जो कुंभाजी थे कुंभाजी ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में अपने आप को क्या बताया है नागर गोत्र का ब्राह्मण बताया कि ना साहब हम तो पहले क्या थे नागर गोत्र के ब्राह्मण थे ये बात भी कौन बताते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताई जाती है किसके द्वारा कुंभा के द्वारा वेरी गुड अगला सवाल देखिए और आपको पता है ये जो कीर्ति स्तंभ है इस कीर्ति स्तंभ को किसकी याद में बनाया गया था तो 1437 में कुंबा ने एक युद्ध जीता था सारंगपुर का युद्ध इस सारंगपुर के युद्ध में इन्होंने किसको जीत हराया था तो इन्होंने हराया था मालवा के शासक को मालवा का शासक कौन था तो मालवा का महमूद खिलजी होता है महमूद खिलजी को ये हराते हैं और फिर इसका क्या करवाते हैं निर्माण करवाते हैं ये जो नौ मंजिला इमारत है जिसकी जो हाइट है 122 सौ बाईस फिट है इसके अंदर सीढ़िया एक सौ सत्तावन है राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर उन, उन्नीस सौ उनपचास में कौन सा टिकट डाक टिकट जारी हुआ था इसके अलावा इसकी जो तीसरी मंजिल है तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में कौन सी भाषा में अरबी भाषा में क्या लिखा है भाई अल्लाह शब्द लिखा है कौन सा शब्द लिखा है अल्लाह शब्द लिखा है फिर देखिए इसके बारे में कीर्ति स्तंभ के बारे में कहते हैं अट्ठारह में जब मेवाड़ के शासक होते हैं स्वरूप सिंह स्वरूप सिंह के समय इस पर क्या पड़ जाती है भाई बिजली पड़ जाती है और बिजली गिरने के कारण ये क्या हो गया था क्षतिग्रस्त हो गया था तो इन्होंने क्या किया था भाई इन्होंने इसका क्या करवाया था पुनः निर्माण करवाया था ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है तो पूछ ले पुनः निर्माण किसने करवाया तो इन्होंने करवाया था इसके अलावा आपको पता है आर और पूछा जाएगा राज पुलिस इन दोनों का ये क्या है भाई लोगो यानी प्रतीक जी ने में एक संगठन बना था अभिनव भारत सभा और अभिनव भारत सभा का भी जो लोगो था वो भी कौन सा था भाई कीर्ति स्तंभ था ये भी याद रखना है अगला सवाल देखिए वह स्थान जिसे भारत का टाटा नगर कहा जाता है तो भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है ये आपको बताना था बता दीजिए भाई और भारत का टाटा नगर कहा जाता है वो कहा जाता है रेड को रेड कहाँ पर है टोंक में टोंक में यहाँ पर क्या मिले भाई तो यहाँ पर क्या मिले भाई यहाँ पर बहुत सारे क्या मिले हैं सिक्के मिले हैं क्या मिले हैं सिक्के मिले हैं ये भी याद रखना तिलवाड़ा सभ्यता के जिले में बाड़मेर जिले के अंदर है फिर याद पूछा जाएगा नगरी कहाँ पर है चित्तौड़गढ़ के अंदर है तो फिर नलिया सर कहाँ पर है नलिया है जयपुर के अंदर कहाँ पर है जयपुर के अंदर है ये भी याद रखना है फिर देखिए अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल ये है आनंदपुरा भूकिया और तिमारण किसके लिए प्रसिद्ध है तो देख लिए भाई आनंदपुर आनंदपुर भूकिया और तिमारण माता है ये बांसवाड़ा के अंदर है और यहाँ पर किसकी खोज हुई है भाई यहाँ पर खोली हुई है सोने की किसकी खोज हुई है सोने की खोज हुई है ये याद रखना है स्वर्ण निक्षेप मिले और याद रखना कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना होता है भाई वो आता है 24 कैरेट का और याद रखना अगर आप कोई भी आभूषण मनाते हो और आप किसी सुनार को कहते हो कि भाई चौबीस के मुझे पूरा का पूरा शुद्ध सोना चाहिए और एकदम चौबीस कैरेट का सोना चाहिए तो बता दूँ मैं आपको चौबीस कैरेट के सोने से क्या नहीं बनते हैं भाई आभूषण नहीं बनते हैं तो फिर आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट का सोना चाहिए बाईस कैरेट का सोना होना चाहिए जिसके अंदर दो प्रतिशत मिलाउट होगी उसके बाद ये सोना मिलेगा सोने की क्या विशेषता है तो सोने के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे ज़्यादा अघात वर्धनीय धातु है अगात वर्धनीय धातु है ये भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है AU है और इसका 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 जो जो आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो AU है औरम इसका क्या है भाई वैज्ञानिक सिंबल है ये भी याद रखना फिर इसका आइसोटॉप पूछा जाएगा इसका आइसो टॉप कितना होता है 197 इसका आइसो टॉप होता है फिर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा खोना सोना कहा होता है कर्नाटक में होता है विश्व में सबसे ज्यादा कर्नाटक में भी कहा होता है भाई गोलकुंडा चाँगा। के कहाँ होता है विश्व में सबसे ज्यादा सोना कहा होता है अफ्रीका के अंदर होता है अफ्रीका की ये खान है किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है सोना के लिए प्रसिद्ध है आप लोगों ने रोकी भाई भाई वाली फिल्म देखी होगी जिसका नाम था के जी एफ के जी एफ का पूरा नाम नाम पूरा नाम क्या था कोलार गोल्ड फील्ड क्या नाम था कोलार गोल्ड फील्ड था ये भी आपको क्या रखना है याद रखना है भाई आपको वीडियो को लाइक करना है भाई वीडियो को लाइक करिएगा अगला सवाल है ये वाला सवाल पूछा है जी जवाहर जी का संबंध किस जिले से था डोंगजी और जवाहर जी संग सीकर जिले के सीकर जिले के अंदर एक गांव पड़ता है बाठोट पाटोदा और बाठोट पाटोदा के ये क्या रहने वाले थे इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है इनको धावड़िया कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है धावड़िया कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है शेखावाटी के लोक देवता कहा जाता है शेखावाटी के लोक देवता कहा जाता है इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है भाई इनको कहा जाता है लुटेरे लोक देवता अर्थात ये क्या करते थे लुटेरा लोक देवता कहा जाता है अमीरों को लूटते और गरीबों में बांट देते थे इन लोगों ने कौन सी छावनी को लूटा था ये भी अगर पूछ ले तो आप कहोगे सर इन्होंने कौन सी छावनी को लूटा था नसीराबाद छावनी को लूटा था ये भी आपको याद रखना है और इनके सहयोगी कौन थे तो इनका एक सहयोगी था जिसका नाम था कर्णा भील और एक सहयोगी जी था जिनका नाम था लोटिया जाट लोटिया जाट और करणा भील ये इनके क्या थे सहयोगी थे ये भी आपको याद रखना है और कहते हैं कि जी को छुड़ाने के लिए जी को छुड़ाने के सॉरी जवाहर जी को छुड़ाने के लिए कौन सी जेल को ब्रेक किया गया था तो आगरा की जेल कर जो जेल को तोड़कर इनको यहाँ से क्या निकाला गया था बाहर निकाला गया था याद रखना शेखावाटी के लोक देवता कहा जाता है लुटेरे लोक देवता भी कहा जाता है अगला सवाल अपनी स्क्रीन पर है वो ये सवाल पूछ रहा है आपसे बताइए भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है लूणी नदी का बेसिन है गोडवाड़ के नाम से भी जाना जाता है बिल्कुल जाना जाता है फिर पूछा है गिरवा बेसिन गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है बिल्कुल गिरवा उदयपुर के तरफ विशिष्ट आकृति है ये तस्तरी नुमा पहाड़िया है गगर का मैदान चूरू जिले में नहीं है तो इसका मतलब क्या करोगे एक और दो सही है गगर का मैदान कहाँ पर है तो गंगा नगर गग्गर का मैदान है हनुमानगढ़ के अंदर और किस जिले में गंगानगर के अंदर दो जिलों में ये आपको याद रखना था ये सवाल आपसे वनपाल वन रक्षक में पूछा गया सवाल है अगला सवाल पूछा है तारा शर्मा तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है इतना सवाल अच्छा सवाल पूछा है तारा शर्मा जिनका संबंध है भवाई नृत्य से तेरा ताली न से कौन है मांगी भाई मांगी बाई है कौन सी बाई है मांगी बाई है और कच्ची घोड़ी से कौन थे भाई छवर लाल माली कौन से माली लाल माली थे ये भी आपको याद रखना है और घेर घर तो अपने देखिए हम भी घेरिय बन जाते हैं आप भी घेरिय बन जाते हैं होली पर पता नहीं एकदम से जोश जुनून और मस्ती आ जाती है घेरिय बन ही जाते हैं अगला सवाल है ये वाला और अगला सवाल आपसे पूछा है कि सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे तो राजस्थान के पहले विपक्ष के नेता थे उनका नाम आपको बताना है विपक्ष के नेता थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह क्या नाम था लक्ष्मण सिंह राजस्थान के पहले विपक्ष के नेता थे अगला सवाल है ये वाला रागमाला किस शैली का चित्र है इतना अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है कि रागमाला किस शैली का है तो रागमाला है वो अपने उदयपुर शैली का है किस शैली का है भाई उदयपुर शैली का है फिर अगला सवाल है देखिए और अगला सवाल ये है पूछा है पन्ना मीणा का कुंड कहाँ पर है पन्ना मीणा का कुंड है वो आपके जयपुर जिले में है, किस जिले में जयपुर जिले में फिर चल्णा है फिर अगला सवाल देखिए अगला सवाल ये पूछा है क्या पूछा है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कैसी मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है कैसी भाई मध्यम लाल एवं मिश्रित काली या फिर मध्यम काली मृदा पाई जाती है कोटा बूंदी और झालावाड़ जिले के अंदर याद रखना है सॉरी यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है आड़ती क्षेत्र में अगला सवाल ये पूछा है महान सीमांत प्रदेश महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है इतना अच्छा सवाल पूछा है महान सीमा भ्रंश ये देखिए महान सीमा भ्रंश के बारे में आपसे पूछा है और ये राजस्थान के किस भाग में स्थित है इतना अच्छा सवाल बेहतरीन सवाल है बता दीजिए भाई वेरी गुड तो इसका जो राइट right आंसर है वो आपका है दक्षिण पश्चिमी भाग कौन सा दक्षिणी पूर्वी भाग दक्षिणी पश्चिमी भाग या उत्तर पश्चिमी भाग महान सीमा भ्रंश पूछा है बेहतरीन तरीके से पूछा गया सवाल है और इसका राइट आंसर है आपका दक्षिणी पश्चिमी भाग राजस्थान का है इसको महान सीमांत भ्रंश कहा जाता है याद रखना है भाई उम्मीद करता हूं कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे कल फिर मिलेंगे नए जोश नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहिए इसी तरह तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के साथ और अपनी तैयारी को शानदार बेहतरीन और दमदार बनाते रहिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जय हिंद